चलिए स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवे विद दिस लेक्चर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. नाउ दिस इज क्वाइट अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. आईसीए हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह वो पूछता है, सजेस्टेड के अंदर कुछ आंसर देता है, फिर उसके बाद जब ये मॉड्यूल्स रिवाइज करता है आंसर भी बदल जाता है. उन लोगों का क्वेश्चन वही रहता है जो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था, सजेस्टेड के अंदर कुछ और आंसर रहता है, यहाँ पर कुछ और आंसर रहता है. दिस टॉपिक इज ऑल्सो देयर इन SFM. ओके, लेकिन SCMPE वाले जो मॉड्यूल्स हैं और SFM वाले जो मॉड्यूल्स हैं वो दो अलग अलग बंदे प्रिपेयर करते हैं, तो उनके बीच में कुछ कंसिस्टेंसी वगैरह वो नहीं है. आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग वट एवर बेस्ट इज पॉसिबल एंड दिस शुड बी द आंसर. अगर किधर भी आईसी का कुछ भी गलती है, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो आपके SFM के मॉड्यूल्स के अंदर है, जिधर उधर वो गलत आंसर है. नाउ दिस इज लाइक यू नो, हम लोगों ने इतनी चीजें किया, लाइक बाय रॉबर्ट कैपलेन वी डिड बैलेंस स्कोर कार्ड, फिर उसके बाद हम लोगों ने जॉन एल्किंगटन का ट्रिपल बॉटम लाइन किया, उसके बाद परफॉर्मेंस प्रिज्म किया, उसके बाद परफॉर्मेंस पिरामिड किया बाय लिंच एंड क्रॉस, हम लोगों ने ये सब चीजें किया. वन लास्ट सीरीज इन दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. नाउ दिस इज अ ट्रेडमार्क कंसेप्ट. ओके, ट्रेडमार्क कंसेप्ट मतलब एक कंपनी था, स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, उन लोगों ने बोला कि ना EVA ऐसा निकालना चाहिए, और उन लोगों ने उसको ट्रेडमार्क भी करवा लिया था. ओके, तो वंस एनीथिंग इज ट्रेडमार्क नो, देन वी डोंट अप्लाई आर लॉजिक्स मच, वी ट्राई टू बी एग्जैक्टली डूइंग वट एवर द ऑथर है टोल्ड. ओके, तो हम लोग एग्जैक्टली वही वाला काम करने वाले हैं. ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज बेसिकली अ मेजर कि एक कंपनी कैसा परफॉर्म करता है. जैसे आप लोग से नेट प्रॉफिट्स निकालते हो, आप लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, वैसे EVA भी होता है. ओके, अभी EVA का जो पूरा का पूरा फंडा है ना, इट इज डिराइव्ड एक्चुअली फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर. ओके, नाउ उससे पहले फ्यू थिंग्स यू ऑल हैव फॉरगॉटन, सो देयरफॉर आई वुड लाइक यू नो कि आई टेल यू दोस पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, तो वो वाली चीजें आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल. सुनो, मेरे को कई चीजें वो बताना मेरे लिए अच्छा रहेगा. ROCE का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, CA इंटर के अंदर क्या किया था मेरे को जरा बताना. EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी ले रहा हूं विच विल इंक्लूड रिजर्व्स इन सरप्लस, प्लस प्रेफरेंस ले रहा हूं, प्लस डेट ले रहा हूं. ठीक है, इंटू 100, दिस विल गिव यू दिस. नाउ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, now this has undergone change by some people. यहां पे हम लोग क्या करता है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द returns बिफोर टैक्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द returns बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, इसलिए हम लोग EBIT लेता है. और एक और चीज, अगर मैं तुमको एक नॉर्मल स्टेटमेंट बना के दूं, शायद यू विल बी एबल टू रियलाइज ऑल्सो कि ना ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है. एक बिजनेस अगर होगा तो सेल्स जनरेट होगा, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाएगा, उसके बाद सारे के सारे जो अपने फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट बोले तो सैलरीज हो गया, रेंटल्स हो गया, डायरेक्टर लोगों को पैसा दिया वो हो गया, ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, एक बार ऐसा काम करेगा ना, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू EBIT. EBIT के अंदर से हम लोग इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. ठीक, तो ये वाला जो चीज है ये EBT आ जाता है. ठीक है, EBT के अंदर से आप लोग टैक्स लेस कर देगा तो अपने को पैट मिल जाता है. फ्यूचर के अंदर अगर सपोज प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो जाएगा, दिस विल गिव यू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ऐसा स्टेटमेंट यू मस्ट हैव मेड इट काउंटलेस टाइम्स, स्पेशली इन चैप्टर लाइक लेवरेज वगैरह इन योर CA इंटर. मैक्सिमम अगर एक और चीज बीच में लिखने के लिए जाऊं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तेरे को क्या दे देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मैक्सिमम आप लोग वो चीज भी लिख सकते हो. देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे आता है, ये वाला जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वी ट्राई टू बी सेइंग कैपिटल हैज बीन गिवन बाय थ्री पीपल, विच थ्री पीपल, डिबेंचर्स मतलब डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी. अभी इन तीनों के लिए अपने पास कौन सा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, दैट हैज टू बी दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट. नो, दिस प्रॉफिट विल बी अवेलेबल फॉर
obviously debt funds, that is this particular thing. Obviously for preference shareholders, और जो भी profit बच गया वो in this case वो किसके लिए वो चला जाएगा, equity के लिए, ठीक है। ये हो गया एक formula। अभी ना दुनिया में कई लोग क्या करना start वो करता है, वो लोग बोलता है यही वाला जो formula है ना हम लोग क्या कर लेगा, ये प्री टैक्स के बदले में ना लेट्स ट्राई टू मेक इट पोस्ट टैक्स। ओके, पोस्ट टैक्स। ये पोस्ट टैक्स का मतलब अभी मैं यहां पर क्या कर देगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। तुमको समझा जो मैं बोला? क्योंकि जरा सोचो ना बेटा, जो टैक्स वाला अमाउंट है क्या वो शेयर होल्डर्स को मिल सकता है? नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट को चला जाएगा। ओके, तो कई लोग क्या करता है, ये ना ईबीआईटी नहीं लेता है। ओके, ईबीआईटी सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल ये 200 लाख आया, ठीक है। व्हाट आई वांट ओवर हियर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, ठीक है। वो वाला चीज कंप्यूट कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सपोज ईबीआईटी तेरा 200 लाख है, तेरा टैक्स रेट 30% है, तो क्या कर, 200 लाख के अंदर से तू डायरेक्टली 30% निकाल दे तो 60 लाख, तो ये वाला जो फिगर आ जाएगा ना 140 लाख का, टेक्निकली दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट यार, इट रिप्रेजेंट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, आगे बोलो, बट आफ्टर टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इफ आई टेल यू, हम लोग ना यहां पर ईबीआईटी में दो बार लिखता हूं, चलो 200 लाख, मेरा 50 लाख का इंटरेस्ट था, ठीक है, तो ये वाला फिगर 150 लाख आ जाएगा। 150 लाख इन दिस पर्टिकुलर केस, उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट, सो देयरफॉर 45 लाख। तो तेरा जो पैट है ना, तेरा जो पैट है बेटा वो 105 लाख आता है, ठीक है। ये तेरा पैट है, लेकिन मेरे को न्यूमरेटर के अंदर इधर पैट नहीं चाहिए, क्योंकि पैट इज आफ्टर टेकिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। वी ट्राई टू बी सेइंग वी वॉन्ट earnings before interest but after tax। एक मिनट, सब लोगों को इतना समझ में आता है कि इन लोगों की रिटर्न के लिए मेरे को जो प्रॉफिट लेना पड़ेगा दैट विल बी बिफोर पेइंग इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट का इंटरेस्ट ना? ओके, ऑब्वियसली दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर दीज थ्री कैटेगरी ऑफ प्रोवाइडर्स, ठीक। तो इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डेट, ये दोनों के अंदर एज सच कोई फर्क नहीं है। ओनली थिंग इज सम पीपल ऑल्सो से कि ना आप लोगों को यहां पर बिफोर टैक्स नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को आफ्टर टैक्स लेना चाहिए। चलो ठीक है, सुनो। नाउ इफ यू आर वाइज इनफ यू विल लाइक टू टेल मी द नेक्स्ट थिंग। तुम लोगों ने ना जब सी ए इंटर के अंदर थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किया, उसके बाद ना रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स भी किया था, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स भी किया था, ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। मेरे को जरा बोलो, आउट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स ओवर हियर, दिस इज फर्स्ट प्रॉफिट, दिस इज सेकंड प्रॉफिट, दिस इज थर्ड प्रॉफिट। ओके, मेरे को बोलो विच प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कैन मीन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। मेरे को बोलो उन लोगों के लिए कौन सा प्रॉफिट बच जाता है? पैट। टेक्निकली यू कैन से दिस ऑल्सो, बट देन यू शुड ऑलवेज बी सेइंग सर टैक्स तो गवर्नमेंट लेके चला जाएगा, तो सर इन लोग के लिए जो बचता है दैट इज पैट। ओके, नाउ सम पीपल से लाइक यू नो ताकि वी कैन कंपेयर दिस विद दिस, नो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी टेकिंग पोस्ट टैक्स ओनली, क्योंकि तुमको समझ में आएगा ये वाला चीज तो पोस्ट टैक्स ही है ना। ओके, तो सम पीपल आजकल लाइक यू नो तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर इन सी ए इंटर अभी भी उन लोगों ने यही वाला चीज वो दिया हुआ है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर कई लोग आजकल आरओसी पोस्ट टैक्स ही निकालते हैं। उसके लिए अपने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जो भी वो ईबीआईटी वो होता है, अगर सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस योर टैक्स रेट इज 30% मल्टीप्लाई बाय 70%। ओके, सुन, ये हो गया एक चीज। नाउ लास्ट थिंग आई एम ट्राइंग टू आस्क यू एंड दैट इज वन थिंग दैट आई विल वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी। सुनो मेरी बात, इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे को अभी लास्ट चीज क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तुम्हारे हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आई राइट ऑन, दिस इज नॉट अर्निंग्स पर शेयर बेटा, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को ये प्रॉफिट्स के हिसाब से तो वो बोलो ना, मेरे को ऐसा कुछ वो बोलो ना, तो जैसे मैंने पिछले वाले दो,
तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स, तो इक्विटी फंड्स विल इंक्लूड रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो इनटू 100. ओके, आई थिंक सो. जहां तक वो मेरे को याद है, व्हेन आई टीच एफएमएनसी इंटर, आई ट्राई टू बी टीचिंग दीज पर्टिकुलर फॉर्मुलाज. ऑल्दो आउट ऑफ दैट फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं यूजली प्री टैक्स ही सिखाता हूँ. तुम लोगों ने भी शायद प्री टैक्स ही सीखा होगा, लेकिन आजकल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड नो, दोज गाइज हैव स्टार्टेड टू बी डूइंग दिस. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इन दिस केस? नो, आई एम स्टार्टिंग बाई मेकिंग दिस इनकम स्टेटमेंट टू बी गिविंग यू सम अदर वर्ड्स ऑल्सो. ओके, तो लिख के रखो जरा प्लीज, इनकम स्टेटमेंट. तो सेल्स लेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट लेंगे. दिस विल स्टार्ट टू गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ले लेंगे. दिस विल गिव यू ईबीआईटी. कई लोग ना इस ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देता है. तुम लोग भी कैपिटल स्ट्रक्चर एफएम के अंदर शायद उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलता होगा. लेस इंटरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद दिस विल गिव यू ईबीटी. Less tax will be giving you PAT. Less preference dividend will be giving you profit for equity. अच्छा, उसके बाद ना एक काम जरा करना, ये वाले चार फॉर्मूलास कॉपी करना सब लोग. एक बार वो दिखा देता हूं जिन लोगों का कॉपी नहीं हुआ. ये वाले चार फॉर्मूलास जरा कॉपी करो. चलो सुन, तुम्हारा ये वाला जो काम है ये फॉर द टाइमिंग वी ऑल हैव डन. अच्छा, तुम लोग जब भी और छोटा था ना, तुम लोगों ने लेवरेज भी किया था. लेवरेज तुम लोगों ने तीन तरीके का लेवरेज किया था. मेरे को तीन तरीके के लेवरेज का नाम तो जरा बोलो. ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड. मेरे को कंबाइंड के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को शायद ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर इंटरेस्ट है. तो लिखो लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज. शायद इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. सेकेंड फाइनेंशियल लेवरेज. लेवरेज मतलब रिस्क. रिस्क अराइजेज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट. मैं इस फॉर्मूला के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो कंसिडर कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. इधर से इधर तक पहुंचने के लिए मैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ही तो सब्ट्रैक्ट करता हूं.
कॉन्ट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए वी सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. सो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट. फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट. तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा शायद किया हुआ है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, करेक्ट नो? लेकिन एक और चीज, अगर कभी प्रेफरेंस डिविडेंड होएगा ना तो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक पंगा है. दिस इज बिफोर टैक्स, दिस इज बिफोर टैक्स, बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. तो हम लोग जब बहुत छोटे थे इसको भी बिफोर टैक्स कन्वर्ट कर लेते थे बाय डिवाइडिंग बाय 1 - t. ऐसा जिंदगी के अंदर कुछ देखा? ठीक है, ओके, शायद मेरे को काम में आ जाए कोई एक क्वेश्चन के अंदर. अच्छा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आई एम राइटिंग, यहां पे लिख के रखना व्हाट एवर आई एम राइटिंग. लिखो ईबीआईटी दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 100. ओके, आगे इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू रुपीज 25. टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%. फाइंड फर्स्ट पैट, सेकेंड नो पैट. नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलो सबसे पहले पैट निकाल लेते हैं, उसके लिए तो अपने को अक्कल भी नहीं चाहिए. तो फर्स्ट पैट, तो ईबीआईटी से स्टार्ट करेगा 100 लेस इंटरेस्ट 25, तो ईबीटी. एक सेकेंड, वैसे ईबीआईटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लिख लेना दैट बी बेटर. तो ये 75 आ जाएगा लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. 75 × 30% 22.5. तो ये आ जाएगा पैट 52.5. अच्छा, अभी ना मेरे को नो पैट चाहिए. नो पैट का मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एक मिनट, पहले मेरे को बोलो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बेटा? 100. मेरे को आफ्टर टैक्स चाहिए, तो आप एक काम कर लेना, टैक्स रेट इज 30%, सब्ट्रैक्ट कर लो. तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100. डायरेक्टली उसके ने से टैक्स लेस कर दो 30%. 30, तो दिस इज नो पैट 70. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं. यही वाला 70 का आंसर ना, देखो मैं तुमको कितने वे से बता सकता हूं. दिस आई एम ओनली डूइंग फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ऐसा कर सकता है या फिर लिखना और. अभी कोई ना कोई इंटेलिजेंट बंदा एक्सेप्ट मी एंड एवरीबडी इज इंटेलिजेंट एक्सेप्ट मी, यू ऑल टेल मी, मेरे को ये 70 ऐसा नहीं लाने का है. मेरे को ना क्या करने का है कि ना मेरे को पैट से स्टार्ट करने का है 52.5. मेरे को जरा बोलो 52.5 से स्टार्ट करके
मेरे को ना 70 तक पहुंचने का है, ठीक है, तो मेरे को तुम लोग जरा बोलना क्या एडजस्टमेंट करूं ताकि मेरे को आंसर मिल जाए. यू विल स्पीक इन इंग्लिश वर्ड्स, आई विल बी बेटर, लेकिन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी न्यूमेरिकली ऑल्सो, यू कैन टेल मी नंबर्स ऑल्सो, मेरे को वो भी चलेगा. इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ऐड कर देना, परफेक्ट. ओके, सो देयरफॉर ये जो इंटरेस्ट है ना, इधर हमारा जो इंटरेस्ट है ना बेटा, वो यहां पे कितने का है, 25. मेरे को ना इंटरेस्ट का इफेक्ट पूरा का पूरा लेस करने का है. तो देखो मैं एक चीज तुम लोग को वो समझाता हूं. पहले मैं इंटरेस्ट पे करता हूं 25 रुपीज का, लेकिन वो इंटरेस्ट की वजह से मेरे को टैक्स बेनिफिट 30% का मिल जाता है. सो आई एम स्पेंडिंग पूरा का पूरा इंटरेस्ट, आई एम इनकरिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, बट आई गेट 30% ऑफ दैट इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग्स. कैन यू से माय नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स. सो देयरफॉर मेरा यहां पे 25 का जो था वो इंटरेस्ट था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को ना इंटरेस्ट का इफेक्ट निकालने का है, बिकॉज आई वॉन्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट से पहले बिजनेस ऑपरेट करके क्या मिलता है. इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है. सो देयरफॉर 25 इनटू इन दिस पर्टिकुलर केस वो 70%. एक मिनट सब लोग प्लीज मेरे को जरा बोलना, वरना दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी इन फ्यूचर. यू ऑल अंडरस्टूड कि 70% कैसे आया बेटा. इंटरेस्ट 100, अगर इंटरेस्ट 100 में पे करता हूं तो मेरे को 30% का टैक्स बेनिफिट तो मिलता है, तो मैं जो नेट इंटरेस्ट पे करता हूं वो 70% ही होता है. तो अब 70% जो है अब नलिफाई कर दो. सो देयरफॉर ये आ जाएगा 17.5, ठीक है. तो इन एनी केस दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी 70. मेरे को शायद ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे का प्रेजेंटेशन यू ऑल विल सी ना, वो लोग हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग करता है. मेरे को तो कई बार लगता है दैट ईच ऑफ देयर क्वेश्चंस आर आल्सो एक्चुअली मेड बाय डिफरेंट पीपल ओनली. ओके सुनो, मेरे को वो भी नहीं करने का है. तो देखो अभी मैं क्या करता हूं, ठीक है. सुनो ध्यान से सुनना. मैं ना इधर से स्टार्ट करेगा, ठीक है. तुम लोग मेरी हेल्प करना इन दिस. ओके, ईबीआईटी बोले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है. ईबीआईटी बोले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 100 का है. मेरे को ना 100 के अंदर से जो टैक्स लेस करने का है ना, वो यही वाला लेस करने का है, 22.5. मेरे को यही लेस करने का है, ठीक है. दिस इज टैक्स पेड, ठीक है. दिस इज टैक्स पेड ओरिजिनल, ठीक है. लेकिन ना मेरे को आंसर 70 चाहिए बेटा. मेरे को अभी जरा बोलो तो मेरे को यहां पर अभी एक चीज का करेक्शन करना पड़ेगा. मेरे को बोलो किस चीज का, मेरे को बोलो क्या गलत लिखा मैंने. मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 100 ही है, मेरा टैक्स जो है वो तो 22.5 ही है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो नो पैट चाहिए बेटा. ओके, कैन वी से नो पैट मतलब वी वॉन्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर कंसिडरिंग एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट. नो, तो मेरे को जरा बोलो इन दोनों में से एक नंबर टेक्निकली गलत हो गया. मेरे को बोलो कौन सा. अपना जो टैक्स है तो वो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि टैक्स के अंदर वी हैव ऑल्सो टेकन द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट. नो, लेकिन अभी इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का बेनिफिट अगर मैं निकाल देगा, कहने से मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है. सो देयरफॉर लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट. बस अब मेरे को तुम लोग कैलसी बगैर टच के बोलो मेरे को क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 25 रुपीज का इंटरेस्ट है, मेरे को जरा बोलो इंटू 30% डायरेक्टली. तुमको समझा इंटू 1 माइनस t नहीं करने का बेटा अभी. ओके बेटा, मैं यहां पे नॉर्मल टैक्स तो डिडक्ट कर रहा हूं, लेकिन वो टैक्स के अंदर मैंने इंटरेस्ट का डिडक्शन भी तो ले लिया. अब मेरे को हर चीज चाहिए बिफोर इंटरेस्ट. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस जितना भी बेनिफिट लिया आप उसको निकाल दो फिर, और क्या. सो देयरफॉर तो कितना बेनिफिट लिया था, 30% लिया था. ओके, तो ये आ जाएगा 7.5. तो दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी 70. इज इट ऑल ओके इफ ऑल माय 3 आंसर्स आर सेम ओनली. मतलब मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो सॉलिड ही था ना, मतलब वो बराबर ही था ना. ओके, यू राइट डाउन दिस एंड दिस.
यहां पे लिख लेना, मोस्टली वी विल यूज दिस मेथड. मेरे को कोई भी मेथड चलता है, लेकिन आईसे के मॉड्यूल्स के अंदर ना उन लोगों ने दो या तीन बार ये वाला चीज किया हुआ है, इसलिए आई एम गोना बी डूइंग. वरना कोई भी मेथड से करेगा बेटा, इट विल रिमेन सेम ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अच्छा सुनो 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 सुनो, ये वाला काम अपना हो गया. अभी इसके बाद ना मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर भी चाहिए, तो यहां पे लिखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या करो, जो भी किया हुआ है ना उसको तुम लोग वो नंबर्स दे दो, इट विल बी इजियर. तो दिस इज ए, दीज आर थ्री फॉर्मूलाज, दैट इज बी, दिस इज सी, दिस इज माय इलस्ट्रेशन, दैट्स जी ई. अच्छा तुम लोग बहुत अच्छा है इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटर के अंदर भी था, फाइनल सीए के अंदर भी है. के ई का फॉर्मूला तुम लोगों ने दो फॉर्मूला सीखा रहेगा, एक गॉर्डन का सीखा रहेगा, एक विलियम शार्प का सीखा रहेगा, जो बीटा मॉडल के अंदर आता है, वो सीएपीएम के अंदर, करेक्ट नो? ओके, गॉर्डन का फॉर्मूला क्या था? डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, कुछ ऐसा किया हुआ है ना यार. ठीक है, अच्छा, लेकिन आई वॉन्ट दैट अदर फॉर्मूला, जो विलियम शार्प का फॉर्मूला था, जो सीएपीएम के थ्रू आता है. विलियम शार्प ने क्या बोला था, एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए, जितना रिटर्न शेयर होल्डर को चाहिए, दैट बिकम कॉस्ट फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी को उतना तो पे करना पड़ेगा. योर प्रोफेसर माइट हैव एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली, नो? ओके, तो शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए बेटा, उसको ना आईआरएफ तो चाहिए चाहिए. मेरे को बोलो कि आईआरएफ क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर अगर सपोज मैं आज इन्वेस्ट करूं तो मेरे को 6% का रिटर्न आता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो एज अ शेयर होल्डर मेरे को 6% तो चाहिए बेटा. 6% तो मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ही मिल जाता, उसके लिए तो माय रिस्क एपेटाइट शुड बी जीरो, नो? दैट इज माय श्योर शॉर्ट इनकम. लेकिन फिर मैं शेयर्स क्यों खरीदता हूं, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए. एक्स्ट्रा रिटर्न, दैट इज रिटर्न ऑफ द मार्केट्स माइनस आईआरएफ. मैं यहां पे शेयर्स खरीदता हूं क्योंकि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए. एग्जाम्पल, अगर तुम लोग भूल चुके हो, देन आई एम ट्राइंग टू बी सेइंग द फर्दर थिंग्स. मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 6% का रिटर्न तो मिल ही जाता है. तो अगर मैं शेयर होल्डर हूं कोई कंपनी का, मेरे को उससे ज्यादा तो दो. उससे ज्यादा तो मैंने चेक किया लास्ट ईयर ना, स्टॉक एक्सचेंज ने अपने को 13% का रिटर्न दिया था. कोई बहुत ऐसा स्टॉक एक्सचेंज ने 13% का रिटर्न दिया था, उसका मतलब क्या है? आप लोग पिछले साल का निफ्टी ले लेना. ओके, निफ्टी ले लेना मतलब साल का फर्स्ट डे का निफ्टी, साल के लास्ट डे का निफ्टी, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल निफ्टी ऑन द फर्स्ट डे इनटू 100. तुमको समझ में आता है? दैट गिव यू द रिटर्न ऑफ द मार्केट्स. एग्जाम्पल, जब भी पिछले साल सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ था तो 10,000 पॉइंट्स पे था, जब भी मार्केट वो खत्म हुआ सपोज वो 12,000 पॉइंट्स पर, तो वो पहुंच गया. ठीक है, सो देयरफॉर कैन यू से 10 से 12 इंक्रीज इज 20%, नो? ओके, सो देयरफॉर तो आर एम मतलब रिटर्न ऑफ द मार्केट्स. मेरे को सच्ची बोलना, तुम लोगों ने यही सीखा हुआ है ना? ओके, माइनस इन दिस पर्टिकुलर केस 6%. ओके, सुनो, मैं शेयर होल्डर था, मेरे को 6% तो चाहिए. 6% के लिए मेरे को स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आरबीआई वगैरह के बॉन्ड्स में खरीद ही सकता हूं. मैं स्टॉक एक्सचेंज क्यों गया? क्योंकि मेरे को लालच था. लालच जो था बेटा, एक्स्ट्रा 7% कमाने का. सो वी ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर थिंग, एक्स्ट्रा 7% कमाने के लिए तो रिस्क ले ले फिर, और क्या. मार्केट का रिस्क इज ऑलवेज वन. ओके, बट देन वी से तू मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा बेटा, तू कोई एक कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है. तो हर एक कंपनी का जो यहां पे स्टॉक है उसके अंदर भी तो रिस्क है. दैट पर्टिकुलर रिस्क इज यूजुअली डिनोटेड बाय द बीटा फैक्टर. सपोज आई से दैट बीटा फैक्टर इज 2, उसका मतलब क्या है? दैट कंपनी शेयर हैज अ रिस्क ट्वाइस ऑफ द मार्केट. इफ इट हैज रिस्क ट्वाइस ऑफ द मार्केट, आई वॉन्ट ट्वाइस द रिटर्न ऑल्सो, नो? तो मेरे को यहां पे इन दिस पर्टिकुलर केस 7 एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए एक का रिस्क लेने का, 1 का. लेकिन मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा जिसका रिस्क डबल है, सो देयरफॉर मेरे को डबल रिटर्न भी तो चाहिए. सो 7 × 2 = 14 + 6. तो अगर मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे को कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए बेटा? 20% का रिटर्न चाहिए. जितना रिटर्न शेयर होल्डर को चाहिए, दैट इन एनी केस विल बिकम कॉस्ट फॉर द कंपनी. इज दैट ऑल ओके?
मेरे को ना बहुत ज्यादा इन चीजों के अंदर नहीं घुसना है बिकॉज माय सब्जेक्ट फॉर फाइनल सी इज नॉट SFM. ओके, ऑल्दो आई कैन बी टीचिंग बट आई डोंट टीच नाउ. तो इन एनी पर्टिकुलर केस इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली. ठीक है. अच्छा, वैसे जब तुम लोग और बहुत छोटा था शायद इस चीज को तुम लोग मार्केट प्रीमियम भी बोल देता था. ये वाले डिफरेंस को तुम लोग मार्केट प्रीमियम भी बोलता था ना. ओके, तो ये लिख के रखो जरा प्लीज. तो ये लिखो सब कुछ. यहां पे लिख के रखना कई शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज योर प्रोफेसर माइट हैव टॉट सम डिफरेंट फॉर्म्स. तो IRF इज इंटरेस्ट ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. RM रिटर्न ऑफ मार्केट्स. Beta is measure of risk. Although तुम लोगों ने जो CA इंटर के अंदर बीटा किया था मेरे ख्याल से वो सिस्टमैटिक रिस्क ही कवर अप करता है, लेकिन दैट्स ओके. ठीक है. ऐसा कोई जिंदगी में वर्ड कभी सुना कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? ओके, थैंक यू. आगे MP is market premium. अच्छा सुनो, आई नो तुम लोगों ने ना KP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस तुम लोगों ने सॉलिड फॉर्मूले वो किए रहेंगे, लेकिन ऑल दो थिंग्स आर ओके इन दोज चैप्टर्स. मेरे को यहां पे बहुत सिंपल चीज चाहिए. KP इज नथिंग बट प्रेफरेंस डिविडेंड रेट. बस वैसे तुम लोग को अगर याद कराऊं तो तुम लोगों ने केपी का लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी किया रहेगा. केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन टू. ऐसा कुछ किया था कभी जिंदगी के अंदर? लेकिन ऑल दो थिंग्स नो यू रिक्वायर व्हेन देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट्स लाइक प्रीमियम ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, लाइफ इज गिवन. अब ऑल दो थिंग्स नो यू ऑल डू इन FM ओनली. ओके, वो यहां पर वो सब चीजें वो नहीं आएंगी. ओके, दे विल डायरेक्टली गिव यू द थिंग्स ओनली, द जॉब विल बी डन. सेम वे तुम्हारा KD का जो फॉर्मूला है ना विल बी डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स. बस इंटरेस्ट जो पे करते हो अपने को टैक्स बेनिफिट तो मिल ही जाता है ना. सो देयरफॉर इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स. अच्छा F कैलकुलेशन ऑफ KO. अच्छा तुम लोग को याद होगा तुम लोग अमाउंट्स के लिए ना या बुक वैल्यूज यूज करते थे या मार्केट वैल्यू यूज करते थे. यू ऑल रिमेंबर दिस? ओके सुनो, इसके बाद ना एक और कॉलम मैं बनाएगा वो थोड़ी देर के बाद. ठीक है, उसके लिए वो जगह रखना. परसेंटेज कॉस्ट एंड कॉस्ट. आई एम राइटिंग इक्विटी प्रेफरेंस डेट. अभी तुम लोग नहीं लिखना है इसके बाद. सुनो, मैं कुछ भी एक नंबर डालता है वैसे ही मेरे को जरा बोलो ताकि मेरे को थोड़ा सा तो पता चले कि तुमको थोड़ा बहुत FM तो आता था. मेरे को बोलो जनरली स्पीकिंग विच ऑफ दीज थ्री नंबर्स आर द हाईएस्ट. इक्विटी का कॉस्ट हाईएस्ट होता है, प्रेफरेंस का कि डेट का? मैं वैसे ही पूछता है टाइम पास के लिए. दिस वुड हैव हैपेंड इन एवरी क्वेश्चन दैट यू वुड हैव एवर डन. इक्विटी का कॉस्ट इज ऑलवेज हाईएस्ट. बेटा दोस गाइस हैव टेकन हाईएस्ट रिस्क. नो, दे विल वांट हाईएस्ट रिटर्न्स. नो, ओके, हमें कुछ भी नंबर ढाप मार रहा है. से 15%, 10%, 5%. डेट का कॉस्ट इज ऑलवेज द लेस, इज ऑलवेज द लीस्ट फॉर टू रीजंस. फर्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स हैव नॉट टेकन रिस्क, तो मैं उन लोगों को इंटरेस्ट का रेट कभी ज्यादा नहीं दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्ट इज अ बेनिफिट दैट वी ऑल गेट अंडर टैक्सेशन ऑल्सो. ओके, 3613 के अंदर अपने को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना. सेक्शन 36(1) ऐसा मेरे को सब मालूम है. ओके, सुनो मेरी बात. कार्टून्स लिसन, ये लिखना नहीं है. वॉट एवर आई एम राइटिंग इन ब्लू तो वो मत लिखना. सुन, सपोज ये वाला फिगर 500 लाख है. ठीक है, ये 200 लाख हो गया.
50 लाख हो गया, ये जो है 250 लाख हो गया, ठीक है। तुम लोग को ये दोनों में से शायद एक मेथड से करवाया रहेगा, मैं तुमको दोनों मेथड्स बता रहा हूं कि आंसर सेम हो रहा है, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी राइटिंग वन मेथड ओनली, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पास 200 लाख का इक्विटी है बेटा, अपने को उसके ऊपर 15% का रिटर्न तो देना पड़ेगा, मतलब अपने को 30 लाख रुपीज का रिटर्न वो देना पड़ेगा। 50 × 10 ये आ जाएगा 5 लाख, 250 × 5% ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। सो देयरफॉर अगर सपोज मैं टोटल मारूं 47.5 लाख, जरा सोचो 47.5 लाख का मतलब क्या होता है बेटा, तेरा ना इतना कैपिटल है, लेकिन ये कैपिटल ना किसी ने प्रोवाइड किया हुआ है, अपने को वो कैपिटल का जो भी कॉस्ट है उन लोगों को देना पड़ेगा, इक्विटी वालों ने इतना कैपिटल दिया तुमको इतना दे, प्रेफरेंस वालों ने इतना दिया तुमको इतना तो दे, कैन यू से इस 10% के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट वगैरह सब आ जाएगा ना। ओके, सेम वे तेरा डेट वो इतना है, तू डिबेंचर होल्डर्स को इतना तो दे, तो कैन वी से अगर सपोज तूने 500 लाख का कैपिटल रेज किया, तेरे को उसके ऊपर 47.5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आएगा हर साल, सॉरी का तेरे को वो कॉस्ट आएगा हर साल, तो तेरे को इतना तो पे वो करने का है, तो व्हाट वी जनरली से अगर तेरे को इतना पे करने का ही है ना भाई, तो तू इतना तो कमा ले, सो दिस मच इज अ मिनिमम रिटर्न दैट यू वुड वॉन्ट फ्रॉम योर बिजनेस, ताकि यू कैन डिस्चार्ज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन डिस्चार्ज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards all those people who all have given you capital. Yes. Okay, my language is pretty okay. तो KO अगर मैं compute करने के लिए जाऊं तो 47.5 lakhs divided by 500 lakhs into 100, so 47.5 divided by 500 percentage ये आ जाएगा 9.5%. अभी यही वाला 9.5% ना मैं usually ऐसे नहीं निकालता, मैं क्या कर लेता हूं, मैं ना यहाँ पे एक weights का column अलग से वो बना लेता हूं, ठीक है। वेट्स का कॉलम आई ट्राई टू टेक आउट ऑफ 100, तो ये चीजों को ना आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लो। ओके, सो देयरफॉर आउट ऑफ 100 तो मेरे को कैलसी के ऊपर बताओ ना फटाफट फटाफट, 200 अपॉन 500 इंटू 100 करो ना, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, मतलब मैं तो फटाफट वो कर ही डालता, ये 40 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 50 आ जाएगा, करेक्ट नो? तो अभी इसके बाद अब जरा देखो, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स विद दीज नंबर्स, यू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद दीज पर्टिकुलर नंबर्स, डायरेक्टली तुम लोग को इधर 9.5% ही आ जाएगा बेटा। ओके, वो देख लेना एक बार, 40 × 15% तो कितना आ जाएगा बेटा 6, 100 × 10% तो कितना आ जाएगा 1, 50 × 5% तो कितना आ जाएगा 2.5, तो तुम्हारा के ओ जो है ना डायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 9.5%, इज दैट ओके? I am going to be doing by this particular method as such, ठीक है, मैं जो है वो इस method से करूंगा, ठीक है। So this is just any random numbers that I have put, but then you all copy down this particular thing. You all can write down any random numbers are used for illustration above. हो जाएगा मेरे को बता देना प्लीज। चलो सुनो, अभी देखो मैं तुमको एक चीज डायरेक्टली बोल देता हूं और वो ईवीए ही है। कैन वी से अगर 500 लाख के ऊपर
तू 9.5% ही कमाएगा, 500 × 9.5%, ऑब्वियसली वो 47.5 लाख आएगा, जो पहले मैंने यहां पे लिखा भी था. कैन वी से यू विल सैटिस्फाई एवरीबडी? एवरीबडी बोले तो होम, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर होल्डर्स. कैन वी से इफ यू विल अर्न एनीथिंग मोर देन दैट यू विल एड वैल्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? नो. ओके, अगर हम लोग 47.5 के बदले में 49 लाख कमाएगा, जो 1.5 लाख रुपया है, कैन वी से दैट इज अ एक्स्ट्रा दैट वी हैव अर्नड? कैन वी से दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय शेयर होल्डर्स आल्सो? नो. दिस इज ईवीए. ईवीए इन सिंपल वर्ड्स, यू ऑल आर नॉट राइटिंग ईवीए, ये जी है. ईवीए इज नथिंग बट आप लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, नो पैट, विच इज बियॉन्ड whatever we should be earning. Whatever we should be earning in this particular case is nothing but capital employed into KO. Does this formula make sense to you now? Yes. Example, you all don't write. Agar ye 500 × 9.5 karun, to beta tere ko 47.5 to kamane chahiye. Utna nahi kamaya, tera share prices bhi niche jayega. इसके बियॉन्ड तूने कितना कमाया? अगर 49 कमा लिया ना, मतलब यू आर एडिंग 1.5 लाख एज एक्स्ट्रा वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स. दिस इज नथिंग बट ईवीए. ये वाला जो फंडा है ना, ये स्टीवॉन कंपनी ने वो दिया था अपने को, ठीक है? लेकिन ना उन लोगों ने जब ये वाला फॉर्मूला दिया, उन लोगों ने इसके साथ ना कई चीजें अपने से जोड़ा. नॉट रॉन्ग, ओके, बट एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग की ना ट्रेडमार्क कंसेप्ट है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आई विल नॉट ट्राई टू गेट इन टू द लॉजिक्स. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दैट शुड बी डन. ओके, ईवीए के ऊपर सबसे ज्यादा यू विल गेट द पब्लिक फोरम्स, जिन लोगों को समझ भी नहीं आता कि क्या करने का है. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स ऑल्सो गेट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट रॉन्ग ओनली बिकॉज वो लोग ना अपना चीज वो डिवाइस करता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन भाई तूने ईवीए का फंडा वो नहीं बनाया. इट्स अ ट्रेडमार्क कंसेप्ट. ओके, उसके ऊपर ना तो अगर पुराना बुक्स वो देखोगे, जिधर भी वो ईवीए वो लिखा जाता था ना, उसके आगे वो लोग आर वर्ड भी लिखता था. इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ओके, तो ये जो कंपनी थी ना, ओके, स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, उसने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप लेते हो ना, दैट शुड ऑलवेज बी इन दिस केस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, so therefore we usually say this particular formula in this particular manner: NOPAT minus opening capital employed into KO over here. अभी KO कैसे compute करने का, that you all are aware. NOPAT कैसे compute करने का, 80% you are aware. Okay, मैंने ऊपर ये वाले तीन methods के अंदर ना तुम लोगों को NOPAT ही compute करवाया. Okay, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, कैसे कंप्यूट करने का, 50% यू ऑल नो. ओके, क्योंकि सम थिंग्स आई स्टिल हैव टू ट्राई टू टेल यू दैट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. यू विल अर्न, सॉरी, यू विल एड वैल्यू व्हेन इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर अर्निंग समथिंग मोर देन द मिनिमम रिटर्न दैट्स रिक्वायर्ड. ओके, वट एवर इज दैट एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज वट एवर वी ऑल आर इंटरेस्टेड राइट नाउ. ओके, आप लोग ये लिखो जरा प्लीज, यहां पे पूरा वर्ड वो कैपिटल लिखना, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू केओ. सुनो, ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ध्यान से सुनना जरा प्लीज. नाउ कई लोग ऐसा बोलता है, आई हैव टू बी सेइंग दीस पर्टिकुलर थिंग्स अगेन एंड अगेन बिकॉज यू माइट कम अक्रॉस सम रॉटन थिंग्स बाय सम पर्टिकुलर पीपल हु जस्ट वांट टू बी सेइंग. कई लोग ऐसा क्या बोलता है कि ना इसने गलत बोला, ओपनिंग के बदले में तो एवरेज लेना चाहिए क्योंकि ये वाला प्रॉफिट तो पूरे साल मिलता है, तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज ही लेना चाहिए. ओके, अगेन वो लोग क्या बोलता है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये इंटरेस्ट है कि ईवीए जो है कैसे बना था. ओके,
So as I told, it's a trademark concept. So therefore, जो वहां पर लिखा हुआ I'm going to be taking that also. I'm going to be taking that only. Same way, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि opening नहीं लेगा मैं closing लेगा and your institute is one among them in the SFM modules. Okay. वो लोग एक दो जगह पर closing भी लिया हुआ है वो गलत है. Okay. गलत है क्योंकि ICAI has not trademarked this particular concept. Okay. The way it should be done, we are going to be doing it exactly in that particular way only. May 2019 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आया था फॉर 20 मार्क्स जो EVA वाला था वहां पे उन लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था जो गलत है वो नहीं होना चाहिए. ओके सो यू माइट रीड एनीथिंग एट एनी प्लेस. आई एम नॉट मच जज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. आई एम ट्राइंग टू टीच वट एवर शुड बी डन एज सच. वो एक चीज हो गया. ठीक है. दूसरा, अभी तुम्हारे SCMPE के अंदर EVA वाला क्वेश्चन शायद नवंबर 20 अटेम्प्ट के अंदर तो वो पूछा था. उन लोगों ने सॉलिड करेक्टली ही सॉल्व किया. बिल्कुल करेक्ट. उन लोगों ने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिया. अपने को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेने का है. और एक और चीज, अपना तुम लोग ICA का मॉड्यूल्स खोलोगे ना EVA, अपन लोगों ने 1, 2, 3, 4 पेज भर दिए पूरे मॉड्यूल के अंदर इन SCMPE EVA के बारे में. आपको मालूम है सिर्फ यही एक लाइन है, बस सिर्फ इतना ही एक लाइन है, दैट्स इट. ओके. और EVA के बारे में कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है एंड इट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. इन एनी केस आप लोगों को वो SFM के अंदर भी काम में आ जाएगा. नाउ इसके बाद बस जो चीज अपना बाकी है ये हो गया जी. अभी इस बंदे ने क्या बोला था, इस बंदे ने क्या बोला था कि ना जब आप NOPAT निकालते हो ना, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू 6 एडजस्टमेंट्स इन NOPAT. ठीक है. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू 6 एडजस्टमेंट्स इन NOPAT, इस बंदे ने बोला था. फिर इसने एक और चीज भी बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते निकालते भी ना 5 एडजस्टमेंट्स अपने को करने का है. ठीक है. ये वाले 5 एडजस्टमेंट्स वगैरह क्या है, ये वाले 6 एडजस्टमेंट्स क्या है. ओके. दैट इन एनी केस वी आर गोइंग टू बी सीइंग. तो यहां पे जरा लिखो H. वाइल राइटिंग NOPAT, in above formula, do the following adjustments. सबसे पहले वो लोग क्या बोलता है, फर्स्ट ध्यान से सुनना जरा प्लीज. वो लोग बोलता है तुम लोग कोई भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ करते हो, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस कुड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस कुड बी सम बिग ब्रांडिंग दैट यू हैव डन. अभी ये बंदा क्या बोला कि ना ये वाले जो एक्सपेंसेस है ना, टेक्निकली दे आर नॉट एक्सपेंसेस, टेक्निकली दे आर एसेट्स दैट विल हेल्प यू टू जनरेट रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन. तुमको समझा जो मैं बोला? एग्जाम्पल, तूने R&D के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा तूने किया. ठीक है. सपोज 100 करोड़ का खर्चा किया, उसके अंदर से तूने सोचा इस साल 30 करोड़ रुपीस मैं राइट ऑफ वो कर देगा. ठीक है. तूने तेरे पीएनएल अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर दिया. ये बंदा क्या बोलता है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस ओनली, अल्टीमेटली दिस इज एन एसेट दैट विल हेल्प यू टू जनरेट अ न्यू प्रोडक्ट, दैट न्यू प्रोडक्ट विल बी गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट एंड अल्टीमेटली विल ब्रिंग अस द मनी एंड एनीथिंग दैट जनरेट्स मनी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट. तो ऐसी चीजों को अगर तूने राइट ऑफ किया हुआ है फिर तू उसको रिवर्स कर देना. जो तेरा फाइनल NOPAT है उसके अंदर अगर सपोज कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस तेरे राइट ऑफ हो चुके हैं इस साल के अंदर, यू रिवर्स दोज पर्टिकुलर थिंग्स एंड ऐड देम बैक. यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके. सो देयरफॉर यहां पे जरा लिखना, ऐड एनी लॉन्ग
term expenses which are written off in the year, like branding cost, R&D cost, etc. Add any long-term expenses which are written off in the year, like branding cost, R&D cost, etc. Second, अभी ये बंदा क्या बोलता है? And made lot of sense to me. वो बोलता है कि दुनिया में ना depreciation दो टाइप का होता है. One is accounting depreciation. Accounting depreciation amount is calculated because of various provisions of law, like company act हो गया, वहाँ पे अपने को हर asset के ऊपर depreciation कितना charge करने का है, वो लिख के रखा है, आप उसके हिसाब से charge करते होगे, या फिर income tax के ने क्या लिखा है, बोलते ये correct method नहीं है, correct method should be try to write down economic depreciation, economic depreciation मतलब in this particular case, economic depreciation मतलब based upon your true assessment of the asset, okay. ट्रू असेसमेंट एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों ने कोई एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसका कंपनीज एक्ट के अंदर सपोज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% का था, ठीक है, सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस तेरा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 50 लाख का था, 20% का डेप्रिसिएशन तो 10 लाख आता है, ठीक है, ये तेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हो गया. लेकिन ये बंदा क्या बोलता है, तू जज कर खुद ब खुद, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बिजनेस, कि ये प्लांट एंड मशीनरी का ट्रू लाइफ कितना होगा. मेरे को लगा उसका लाइफ जो है ना 2 साल के अंदर बेटर मशीन विल कम, अपने को स्क्रैप करना पड़ेगा, ओके. तो इस मशीन का जो लाइफ है ना वो 2 इयर्स ही होगा. तो फिर ये जो 25 लाख रुपीस आएगा ना, 25 लाख बोले तो वो कैसे आया, 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 इयर्स, दिस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज विच डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. दिस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज विच डेप्रिसिएशन, बोलो सब लोग, तो अपने पर्सनल मुंह से बोलो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. वो क्या बोलता है, रिप्लेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, बिकॉज दैट इज व्हाट एवर विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द करेक्ट एक्सपेंस, ओके. सो देयरफॉर तू क्या कर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकाल देना. कैन यू से निकाल देना, बोले तो एड करना पड़ेगा, ओके. और जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देना. सो देयरफॉर यहां पे जरा लिखो, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड सब्ट्रैक्ट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. आगे थर्ड, ये लोग क्या बोलते हैं, कोई भी नॉन कैश जैसे एक्सपेंसेस है ना, लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, लाइक सपोज लॉस ऑन सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे लाइक यू नो तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगर सपोज लाइक यू नो तुम्हारा कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन आया तो आप लोग उसको वो पीएनएल अकाउंट वगैरह के ना शिफ्ट वगैरह वो कर देता है. बोलता ऑल दीज थिंग्स नो आर ओनली डमी थिंग्स, ओके. ऑल दीज थिंग्स हैव कम बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इन अ ट्रू सेंस दे आर नीदर एक्सपेंसेस नॉर गेन्स, क्योंकि अभी तक वहां पर कुछ रियलाइजेशन वो नहीं हुआ है. सो देयरफॉर ऑल सच थिंग्स यू इग्नोर. अगर सपोज नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट किया रहेगा, नलिफाई करने के लिए अपने को एड बैक करना पड़ेगा. इज दैट ऑल ओके? तो यहां पर जरा लिख के रखना, एड non-cash expenses like goodwill written off, foreign exchange loss, etc.
सेम वे बेटा नॉन कैश इनकम्स होएगा, सो देयरफॉर दोज ऑल्सो यू ऑल कैन स्टार्ट टू सब्ट्रैक्ट. तो यहां पे सब्ट्रैक्ट नॉन कैश इनकम्स लाइक यू कैन राइट डाउन फॉरेन एक्सचेंज लॉस. फिफ्थ सॉरी गेन अच्छा. अभी इसके बाद ना जो उसने बोला बहुत अच्छा बोला, बोलता है तुम्हारे अकाउंट्स की वजह से ना तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे फालतू प्रोविजन आते रहते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक, ये वो सब कुछ बोलता है. ये फालतू चीजें हैं, दोज ओनली कम बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल दैट लॉसेज शुड बी रिटर्न. बोलता ऑल सच थिंग्स हैव गॉट नो प्लेस इन रियल सेंस. ओके, इन प्रैक्टिकल लाइफ ये चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कोई भी फालतू प्रोविजन वगैरह वो क्रिएट किए वो सब निकाल देना. ओके, तो ऑल दीज प्रोविजन मस्ट हैव बीन डेबिटेड नो ऑन द पी एन एल अकाउंट. सो देयरफॉर इन दिस केस एड All provisions made. Like you can write down say RDD provision, provision for tax, etc. अच्छा एक और चीज, ये लास्ट चीज है, बस सुनो. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट चीज वो क्या बोलता है, जब आप नो पैट निकालते हो ना बेटा तो कैन वी से आप लोगों को टैक्सेस लेना पड़ेगा. ओके, नो पैट निकालने के लिए मेरे को यहां पे टैक्सेस वगैरह तो वो लेना पड़ेगा. वो क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स नो, if actual tax is available please take actual tax and not any provisions wagera that you have made. We want actual expense jo aap logo ne incur kiya, kyunki jo cash apni jeb se chala gaya na wahi tera sachi tax tha. Okay, so therefore you can write down while calculating NOPAT tax that should be reduced will be actual tax paid लेकिन सुनो, कैन वी से जो तूने टैक्स पे किया रहेगा उसके अंदर तूने इंटरेस्ट का बेनिफिट भी तो लिया रहेगा ना. इंटरेस्ट की वजह से तुमको समझ में आएगा टैक्सेस दैट यू पे बिकम लेस नो. तो अपने को वो वाला चीज मतलब ये जो मैंने इधर लिखा था ना, तू टैक्स पे डिडक्ट कर लेकिन फिर भी ना तेरे को ये वाली एडजस्टमेंट के बारे में बात फिर भी वो करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम लोग यहां पे नो पैट ले रहे हैं, नो पैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट की वजह से अगर तेरा टैक्स बचता है ओके, अभी तेरे को उसको नलिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर यू विल हैव टू राइट डाउन बट एडजस्टेड फॉर tax effect of interest. अच्छा मेरे को एक बार बस जरा वो बता देना, तुम्हारा इंटरेस्ट की वजह से टैक्सेस कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है. तो अगर मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर दूंगा ना, अगर मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर दूंगा देन इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा टैक्सेस बढ़ जाएगा ना. तो मैं एक मेरा नॉर्मल इंटरेस्ट भी लिखूंगा, ओके सॉरी, मैं एक मेरा वो नॉर्मल टैक्स भी लिखूंगा जो आएगा ही आएगा, और मेरे को यहां पे टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा थिंकिंग कि अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो अपने को टैक्स और पे करना पड़ता, जो मेरे एग्जांपल के अंदर
यहां पर जो था वो 7.5 था, तो वो वाला चीज मेरे को लेस करना, मेरे को नॉर्मल टैक्स तो लेस करने का ही है, लेकिन अब मेरे को टैक्स और पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इज दैट ऑल ओके? ओके. नाउ दीज आर ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी डन इन नोपैट. ओके, द लास्ट थिंग ओवर हियर एंड यहां पे द थिंग्स विल गेट एंडेड विद दैट. ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त ना देर आर फाइव एडजस्टमेंट, सो यहां पे लिख के रखना, वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइव एडजस्टमेंट्स आर to be made. अच्छा, कोई बोलते सर वो वाली फाइव एडजस्टमेंट्स अभी कौन सी हैं? एक्चुअली मेरे को वो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो यही वाली पांच एडजस्टमेंट्स हैं. सर यही वाली पांच एडजस्टमेंट्स? यस. जरा सोचना, अगर तेरा प्रॉफिट चेंज होता है, इवन योर कैपिटल बेस विल स्टार्ट टू बी चेंजिंग. नो एग्जांपल देखो, यही वाली चीज, अगर तूने आरएनडी को एक्सपेंस नहीं माना और एसेट मान लिया, कैन वी से योर कैपिटल विल राइज? नो. मैं तुमको दो वे से एक्सप्लेन कर सकता हूं. आरएनडी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे था, ठीक है, तूने उसको निकाल दिया, कैन वी से योर प्रॉफिट विल राइज? इफ योर प्रॉफिट विल राइज, योर रिजर्व्स एंड सरप्लस विल राइज, योर कैपिटल विल आल्सो बी राइजिंग. नो. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जो भी तेरा आरएनडी कॉस्ट वगैरह, इस साल का जो राइट ऑफ वगैरह वो किया हुआ था इन दैट पर्टिकुलर केस, वो चीज का इफेक्ट तू निकाल देना, ठीक है. अगर निकालेगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस योर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विल राइज. नो. ठीक है, सुनो सुनो सुनो, लेकिन एक चीज जरा वो याद रखना, मेरे को एक बार जरा चिल्ला के बोलना ना प्लीज, एंड इन टू मिनट्स आई विल फिनिश ऑफ दिस, ठीक है, मेरे को उतना वो टाइम दो प्लीज. मेरे को बोलो ईवीए के फॉर्मूला के अंदर कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है? ओपनिंग. तो याद रखना, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोस काइंड ऑफ आरएनडीज विच वर रिटर्न ऑफ इन द लास्ट ईयर. सुन, ये जो नो पैट है ना, ये इस साल का नो पैट है. ओके, ये जो नो पैट है ये इस साल का है. क्या है ये? एडजस्टमेंट नंबर वन की वजह से जो तूने इस साल पीएनएल अकाउंट के ना वो राइट ऑफ किया ना, उस चीज को तू नलिफाई कर देगा, लेकिन इस साल का जो राइट ऑफ है दैट विल नॉट अफेक्ट ओपनिंग वर्किंग, सॉरी, दैट विल नॉट अफेक्ट द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ दिस ईयर. नो. लेकिन अगर लास्ट ईयर कुछ ना कुछ था, ओके, दैट विल अफेक्ट. नो. ओके, सो देयरफॉर अभी ये वाली चीज ना वो समझ, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन ऑल द एसएफएम मॉड्यूल्स. ओके, सो देयरफॉर यहां पे जरा लिखना, एनी आर एन डी, एक मिनट, जो ऊपर वर्ड्स है ना, आई विल राइट डाउन द सेम वर्ड्स ओनली, एड, एक मिनट, यहां पे क्या लिखा है, एनी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस ना. ओके, तो यहां पर एड एनी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस which were written off in last year. Second, बेटा लास्ट ईयर का इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के अंदर अगर कुछ भी फर्क था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी से दैट विल ऑल्सो स्टार्ट टू अफेक्ट आर कैपिटल एम्प्लॉयड. नो. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि तेरा जो पीएनएल अकाउंट है वो रेक्टिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो लास्ट ईयर वाला. ओके,
सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस मैं वही चीज कर रहा हूं. सबसे पहले ना मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकाल देगा. सो देयरफॉर एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर एंड सब्ट्रैक्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी सब्ट्रैक्ट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर. थर्ड सेम वे पिछले साल के कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस थे वो आप ऐड कर देना, कोई भी नॉन कैश इनकम्स थी वो आप सब्ट्रैक्ट कर देना. सो देयरफॉर यहां पे ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर फोर्थ सब्ट्रैक्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश इनकम सॉरी ऑफ करंट ईयर. ऑफ लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर कार्टून हूं मैं. चलो फिफ्थ नाउ देखो, अगर आपके ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कोई भी यूजलेस प्रोविजंस हैं लाइक आरडीडी वगैरह हो गया, ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स प्लीज यू आर नलिफाई. ओके एनीथिंग लाइक दैट, जो भी यूजलेस प्रोविजन है जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज जब मेरा साल स्टार्ट हुआ ना, जब मेरा साल स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड, इक्विटी था, प्रेफरेंस था, डेट था, ठीक है, दिस दिस दिस, ठीक है. यहां पर नाउ आई एम राइटिंग ओनली टू थिंग्स, वन इज फिक्स्ड एसेट, अदर इज इन दिस पर्टिकुलर केस वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. ओके दैट्स इट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ना, यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात. करंट एसेट के अंदर डेटस भी तो होगा. ओके डेटस जो था ना 100 मिलियन का था. ओके लेकिन उसके से 2 मिलियन का ना अपन लोगों ने आरडीडी क्रिएट करके तो वो रखा हुआ था. वट ही सेज ना, ये सारे प्रोविजन वगैरह सब फालतू चीजें, आप इसको निकाल दो. कैन वी से अगर ये वाले प्रोविजन मैंने निकाल दिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा एसेट बेस उतने से बढ़ जाएगा, मतलब मेरा जो लाइबिलिटी बेस है वो भी उतने से, सॉरी मतलब जो कैपिटल बेस है वो भी उतने से बढ़ ही जाएगा ना. तो कोई भी यूजलेस प्रोविजन वगैरह जो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर थे, ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग शुड बी नलिफाइड. तो यहां पर यू ऑल कैन राइट डाउन एनी, मैं सेम वर्ड्स लिखने का ट्राई करता हूं, एनी प्रोविजंस लाइक आरडीडी विच वर इन ओपनिंग बैलेंस शीट शुड बी रिमूव्ड. रिमूव्ड का मतलब तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा दैट अल्टीमेटली इट विल गेट एडेड. ओके लेकिन अगर वो लिखने का है, क्योंकि इफ आई विल बी रिमूविंग दिस 2 मिलियन माय कैपिटल बेस विल राइज, नो दैट इज ऐड. अभी प्लीज कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स वो नहीं है, मैं उसका इफेक्ट निकाल देगा. इफेक्ट निकाल देगा मतलब उसको ऐड ही कर देगा ना अपन लोग, ठीक है. तो अगर कुछ कंफ्यूजन होने वाला है तो दैट इज ऐड वाला वर्ड फिर वो मत ही लिखना. ओके वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है. So these are the adjustments that these guys are told अपने को करने का है, ठीक है. और बोलता है ये करने के बाद आप EVA निकालो, as per me this is economic value added that is there, ठीक है. So your introduction is all together done, कि जो भी तुम्हारे वो EVA के अंदर था बस अपने को उसी के अभी questions वगैरह solve करने हैं. Okay, so now your introduction is done, you are well aware कि जो EVA है what does it do. In this case, we'll start away with the questions which are there. So, you all have written down the notes. You follow the notes which are there in your notebooks, please. Okay. So, it's question number one that we all are doing right now. Padhiye sir, please. The following information is available of Docomo Limited. Calculate EVA. Okay.
12% डेट कैपिटल 2000 करोड़, इक्विटी कैपिटल 500 करोड़, ओके, रिजर्व्स इन सरप्लस 7500 करोड़, कैपिटल एम्प्लॉयड 10000 करोड़, दैट इज अ टोटल ऑफ दीज थ्री नंबर्स. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. मेरे को बोलो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो क्या बन जाएगा? IRF. बीटा फैक्टर 1.05. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे लिए दिस इज RM, रिटर्न ऑफ द मार्केट्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी डायरेक्टली और नो पैट ओनली यार, और क्या? आगे टैक्स रेट इज 30%, ठीक है. तो मेरे को ईवीए के फॉर्मूला के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आई रिक्वायर नो पैट, वो है अपने पास. अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. आई विल बी फोर्स टू अज्यूम दैट दिस इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली, तो अपना काम उससे डायरेक्टली हो जाएगा. लास्टली अपने को के ओ चाहिए. अभी के ओ अपने को पहले निकालना पड़ेगा. ओके, तो यहां पे मेरे को जरा इतना बताओ कितना फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है. एक इक्विटी है, रिजर्व्स इन सरप्लस है, तो इधर के ई निकालेगा, इधर के आर निकालेगा. यू ऑल रिमेंबर दैट के आर इज इक्वल टू के ई एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी के डी. तो पहले ये तीन कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर वेटेड एवरेज मार के ओ निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर अपना आंसर निकाल लेंगे. ओके, तो राइट डाउन प्लीज क्वेश्चन नंबर वन. के ई इज इक्वल टू IRF प्लस RM माइनस IRF इनटू बीटा फैक्टर. तो 9%, जस्ट राइट डाउन 9 ओनली, प्लस 19 माइनस 9 इनटू 1.05. So 10 into 1.05, 10.5 plus 9, so 19.5%. Uske baad KR is equal to KE is equal to 19.5%. Uske baad KD. Yahan pe preference shares nahi hai, so therefore that part will not be coming only. Acha, zara sum check karo ek baar. KD. यहां पर इंटरेस्ट रेट किधर तुमको दिखाई दे रहा है क्या बेटा? इंटरेस्ट रेट वो कितना परसेंट है? 12% है ना. ऑब्वियसली 12% इज बिफोर टैक्स बॉस, सो देयरफॉर अगर तुम लोग को फॉर्मूला लिखने का है आई एम ऑल ओके विद दैट, दैट्स फाइन. इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स, 12% इज बिफोर टैक्स, लेट्स कन्वर्ट इट टू आफ्टर टैक्स. टैक्स रेट इज 30% नो, सो इनटू 70% 8.4% आ जाएगा. इसके बाद यू ऑल राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ के ओ. अच्छा सुनो, तुम लोगों को एक चीज वैसे ही शायद समझ में आ जाएगा बेटा, यहां पे मार्केट वैल्यू वेट्स आर नॉट इवन अवेलेबल नो टू अस. ओके, तो द ओनली वेट्स दैट आई कैन बी यूजिंग कि जो अपने पास यहां पर हैं, तो ये बुक वैल्यू वेट्स ही होंगे. ठीक है, वो अपने को क्या करने का है, तो यहां पर जरा लिखो, पहले लिखना टाइप, फिर उसके बाद लिखना अमाउंट, फिर लिखना वेट, फिर लिखना परसेंटेज कॉस्ट, फिर लिख देना कॉस्ट. तो यहां पे आई एम राइटिंग इक्विटी इंक्लूडिंग रिजर्व्स इन सरप्लस, तो दैट इज दिस फिगर प्लस दिस फिगर 8000 करोड़. उसके बाद डेट 2000 करोड़, तो ये आ जाएगा 10000 करोड़. आउट ऑफ 100 दिस विल बिकम 80-20. के ई 19.5%, के डी 8.4%. तो के ओ ऐसे आ जाएगा.
तो 18 into 19.5% विल बी 15.6, 20 into 8.4% 1.68, 17.28. EVA is equal to NOPAT, यहां पे ना लिख के रखना, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर काम में नहीं आएगा. NOPAT अपने को एडजस्ट करने का रहता है फॉर दो सिक्स थिंग्स, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से कुछ भी अपने को नहीं दिया हुआ. ठीक है भाई साहब, कोई भी एडजस्टमेंट अपने को नहीं दिया हुआ. माइनस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू केओ. इनफैक्ट ये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी एडजस्टेड ही होता है, वो जो अपनी फाइव एडजस्टमेंट्स हैं उधर. नाउ तो यहां पे नो पैट अपना 2100 है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. मेरे ख्याल से 10,000 CR इज द ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड दैट वी ऑल हैव इनटू 7.28%. तो 2100 माइनस 1728 372. ये करोड़ के अंदर है क्या? करोड़ के अंदर है. I have kept three questions for practice and two exam questions. उसके से one was asked in SFM and the other one in this particular case was asked in SCMP. Okay, तो let's continue. Question number two. The capital structure of Bhel Limited is as under. 80 lakh equity shares of 10 each, 800 lakhs. 1 lakh 12% preference shares of 250 each, so therefore 250 lakhs. 1 lakh 10% debentures of 500 each, 500 lakhs. 10% term loans from the bank, 450 lakhs. Chalo, theek hai. The company's profit and loss account showed a PAT balance of 110 lakhs after, ये underline करना, appropriating equity dividend at 20%. ठीक है. The company is in 40% tax bracket. Treasury bonds carry 6.5% interest rate and beta factor for the company may be taken at 1.5. The long run market rate of return may be taken as 16.5. Calculate EVO. Calculate EVA. ठीक है. सुनो. अपन लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर मैनर ओनली. तो सबसे पहले अपन लोग यहां पे केओ निकालते हैं, उसके बाद अपने को नो पैट इस क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ. कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे इजी ही है, देर आर नो एडजस्टमेंट्स एज सच. इनफैक्ट इवन फॉर नो पैट देर आर नो एडजस्टमेंट्स एज सच. ओके, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू. लिखिए जरा प्लीज. तो यहां पे सबसे पहले अपने को के ई चाहिए, IRF प्लस RM माइनस IRF इंटू बीटा फैक्टर. IRF ट्रेजरी बॉन्ड्स, मतलब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होता है ना, 6.5 प्लस 16.5 माइनस 6.5 इंटू बीटा फैक्टर 1.5. देखना 21.5% आता है क्या. चलो सुनो आगे. केपी इज नथिंग बट योर प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ओनली. तो ये वाला जो चीज है तुम्हारा 12% ही है डायरेक्टली. अच्छा बेटा, वैसे तो ये भी केडी है, ये भी केडी है, ताकि अलग अलग हम लोग लिख सकें. मैं इसको केडी बोलता हूं, इसको के लोन बोल देता हूं. ठीक है. ऑल्दो दोनों का आंसर वैसे सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% ही है, बट लेट्स जस्ट
write down separately. So therefore KD is equal to interest rate into 1 minus tax. So it is 10%, no? 10 into tax rate beta question ke andar 40% hai. So into 60% na. So ye aa jayega 6%. K loan. Same formula yaar. Interest rate into 1 minus tax. 10 into 60% is equal to 6%. Calculation of KO type equity preference debentures low 800 lakhs 250 lakhs, 500 lakhs, 450 lakhs. इसको वेट्स के अंदर से कन्वर्ट करो प्लीज. मेरे को के ओ सब लोग बता देना, उसके बाद कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं अप्लाई करना, पहले के ओ बस निकाल देना प्लीज. एक मिनट, हाँ दिस इज 40, सॉरी सॉरी मैंने एक जीरो हर जगह पे एक्स्ट्रा डाल दिया. 4.35 या जस्ट अ सेकंड 8.6 ही आता है ना. यस सर. इनटू 12% दिस इज 12.5 इनटू 12% 1.5 आ जाता है. दिस इज 25 इनटू 6% 1.5 22.5 इनटू 6% 1.35 टोटल कितना आता है बेटा. 12.95. अच्छा फॉर्मूला के लिए के ओ आ गया. अपने पास अभी फॉर्मूला के लिए अपने को नो पैट चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट. अच्छा अभी नो पैट का जो आंसर है ना, मैं दो स्टेप्स के अंदर लाता हूं. सुनो 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 सुनो, देखो जरा ये जो 110 है दिस इज नॉट वट एवर वी वॉन्ट. पहले मेरे को बताना क्यों ये वाला जो 110 वाला फिगर है बेटा, ये कौन सा फिगर है. After appropriation, तेरे को तो बेटा कुछ और ही चाहिए. तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं ना यहां से I'll try to go back till EBIT, ठीक है. पहले EBIT तक पहुंचता हूं, उसके बाद आगे की बात उसके बाद कर लेता हूं, ठीक है. तो यहां पे जरा लिखो calculation of EBIT. ये जो अपने को पैट दिया हुआ है ना बेटा, दिस इज इनफैक्ट नॉट योर रेगुलर पैट ऑल्सो, दिस इज पैट आफ्टर अप्रोप्रिएशन. तो पैट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस इज 110 लाख है ना, ये लाख, ठीक है.
पैट आफ्टर, मेरे को बोलो दिस इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड. बेटा अगर ये इक्विटी डिविडेंड के बाद है फिर तो पक्की बात है कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड के भी बाद ही होएगा. पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है ना, तो यहां पे मैं बिल्कुल रिवर्स जा रहा हूं. सो देयरफॉर आई एम राइटिंग एड इक्विटी डिविडेंड एड प्रेफरेंस डिविडेंड. तो इससे मेरे को नॉर्मल जो अपना पैट होता है ना बेटा वो मिल जाएगा, जो नॉर्मल जिसको अपन लोग पैट बोलता है. उसके बाद प्लस टैक्स करेगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पीबीटी या ईबीटी, आपको जो भी बोलने का है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कैसे, इसके बाद मेरे को यहां पे इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा ना. अच्छा, जो यहां पे इंटरेस्ट है, कैसे इंटरेस्ट विल बी ऑन टू थिंग्स ना बेटा, वन इज ऑन डिबेंचर्स एंड वन इज ऑन लोन्स. एक बार ये वाला चीज कर लेगा तो ईबीआईटी मिल जाएगा. तुम लोग मेरे को ईबीआईटी का आंसर वो लाके दो ना. तुम लोग सीए फाउंडेशन के अंदर भी होते तो भी शायद करेक्ट वो निकाल ही लेते, लेकिन सीए फाइनल तक पहुंचते पहुंचते किसी को कुछ हो जाता है. मेरे को आंसर निकाल के दो ना प्लीज, वो मेरे को भी नहीं मालूम, बट देन यू ऑल्सो ट्राई. इक्विटी डिविडेंड बेटा 20% है, मेरे को बोलो 20% के वो कौन से नंबर का लिया, 800 लाख का. तो फेस वैल्यू का लेता है ना अपन लोग, 800 लाख इंटू 20% 160 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड 250 इंटू 12%, तो दिस इज 30 लाख. तो 110 प्लस 160 प्लस 30 300 लाख, ये 200 लाख आ जाएगा, ये 500 लाख आ जाएगा. डिबेंचर्स के ऊपर 500 लाख इंटू 10%, यहाँ पे 450 लाख इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 50 लाख, ये आ जाएगा 45 लाख, 595 लाख. इसके बाद लिखेंगे अपन लोग कैलकुलेशन ऑफ नो पैट. सुनो, तुम लोग कोई भी मेथड से करो बेटा, तुम्हारा नो पैट जो आएगा ना वो सेम ही आने वाला है. ओके, अगर तुमको यहां पे कोई भी पंगा नहीं चाहिए, जो मैंने मेरे इलस्ट्रेशन के अंदर तुमको तीन मेथड कराए थे, आप लोग कैसे भी कर लो, तुम्हारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, डायरेक्टली 40% का टैक्स सबट्रैक्ट कर दो तो नो पैट मिल जाएगा. या फिर तुम लोग ऐसे कर लो, इंटरेस्ट का जो नेट इफेक्ट है वो ऐड बैक कर दो, ठीक है, पैट के अंदर. या फिर तो ऐसे कर लो, आई एम ट्राइंग टू डू बाय, चलो तीनों मेथड से कर देते हैं, अपने को दो ही लाइन एक्स्ट्रा जाएगा, तो तुमको जैसे भी करने का है. ऑल्दो फॉर फ्यूचर शायद मैं सिर्फ थर्ड मेथड ही फॉलो करूं, ठीक है. तो यहां पे ईबीआईटी 595 लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 595 इंटू 40% 238, दिस इज नो पैट 357. और पैट था अपने पास बेटा, पैट अपने पास कितने का था, 300 लाख प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 60%, तो इंटरेस्ट 95 लाख का था ना इन ऑल, एक 50 लाख एक 45 लाख, सो 95 इंटू 60% 57 लाख. दिस इज नो पैट. मेरे को ये वाला मेथड ही फ्यूचर के लिए वो करवाने का है, क्योंकि आईसीए वो सजेस्टेड कहना ना आजकल वो इसी के हिसाब से आंसर दे रहा है.
तो ईबीआईटी 595 लाख लेस टैक्सेस जो ओरिजिनली था तेरी स्टेटमेंट के अंदर बेटा, टैक्सेस कितने का था? 200 लाख। लेकिन ये 200 लाख के अंदर आप उन लोगों ने इंटरेस्ट का बेनिफिट भी तो लिया, तो अभी इंटरेस्ट आपको निकालने का है, सो देयरफॉर लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट। तो 95 इंटू, मेरे को बोलो 40% के 60%, 40%। ₹357 लाख। चलो अभी ईवीए लिख देंगे, ईवीए नो पैट एडजस्टेड, यहां पे कोई एडजस्टमेंट वैसे है ही नहीं, लेस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी एडजस्टेड, लेकिन वो वाली एडजस्टमेंट्स है ही नहीं, इनटू केओ। ₹357 माइनस ₹2000 लाख ₹12.95, ये लैक्स नहीं लिखता, इन एंड आई जस्ट राइट डाउन लैक्स इनटू 12.95%। टू थाउजेंड इंटू 12.95% ना। ऑल डन। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ईवीए ऑफ टीसीएस लिमिटेड, टैक्स रेट इज 35%, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 लाख, 12% डिबेंचर्स 500 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%, फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.5 टाइम्स। ठीक है, करना क्या है? ईवीए निकाल लो। और क्या? एक मिनट बेटा, तेरे को क्या क्या दिया हुआ है देख। तेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है, केई है तेरे पास, टैक्स रेट दिया हुआ है 12%, डिबेंचर्स हैं तो अपन लोग के डी निकाल लेंगे, उसके बाद के ओ निकाल लेंगे, उसके बाद नो पैट की तरफ वी विल ट्राई टू बी थिंकिंग, क्योंकि अपने पास ये एक एक्स्ट्रा डेटा है, तो इसके लिए मैं बोला। ओके, तो राइट डाउन प्लीज, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले के ई 20% क्वेश्चन के अंदर ये है, के डी 12 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 65%, 7.8%। तुम लोग कैलकुलेशन ऑफ के ओ जो है बेटा वो कंप्लीट कर, मेरे को के ओ बता।
15.93 बराबर ना? चेक कर लो एक बार यार, 1000 15.97 ठीक है, ये 1000 लाख है, ये 500 लाख है, 66.67 33.33 20% and 7.8%, so 66.66666 divided by 5, this is 13.33, फिर उसके बाद into 7.8%, 2.6 आता ना ये, plus 13.333, 15.93 आता ना, हाँ? 2.59999 है ना बेटा? अच्छा वो मैंने ना 33.33 वो पूरा का पूरा लिया है, दैट्स ओके. अगर तुम लोगों ने 33.33 ही लिया इनटू 7.8% तो ही बेटा 2.599 आता है ना, तो 2.6 ही हो गया ना, बराबर लिखा, सो 15.93 आएगा. ये हो गया, अभी आगे बढ़ूं? चलो सुनो मेरी बात. क्वेश्चन के अंदर ना बेटा अपने पास फाइनेंशियल एवरेज है. अच्छा फाइनेंशियल एवरेज का जो फॉर्मूला तुम लोगों ने लिखा था ना, इट वाज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. अच्छा मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के ना प्रेफरेंस कैपिटल है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली मतलब वो वाला पार्ट विल बिकम जीरो ना. अच्छा एफएल 1.5 दिया हुआ है, एफएल 1.5 दिया हुआ है ईबीआईटी. अच्छा कैन वी से ईबीटी इज नथिंग बट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? नो, ओके, तो यहां पे आई एम राइटिंग ईबीटी माइनस इंटरेस्ट, सॉरी ईबीआईटी में क्या पागल हो गया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. अच्छा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी वो ऐसी रहने दो, माइनस इंटरेस्ट. बेटा इंटरेस्ट तो मेरे को कंप्यूट करना पड़ेगा, 500 लाख के ऊपर 12% डिबेंचर्स, सो 500 इंटू 12% 60 आ जाएगा बेटा ये. चलो मैं अपना मैथमेटिक्स अभी तुम लोगों को बता रहा है, ये सारी चीज को इधर लेके जा, 1.5 ईबीआईटी माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू ईबीआईटी, तो 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. ईबीआईटी इज इक्वल टू 180 ना, लेकिन मेरे को ये वाला फिगर कभी चाहिए नहीं, आई वॉन्ट नो पैट. अभी नो पैट ना पिछली बार 3 वे से किया था, अभी ना मैं ना एक ही मेथड से करता हूं और मैं ये वाले मेथड से कर लेता हूं, क्योंकि अगर मेरे को लास्ट मेथड से करने का है ना बेटा, तो पहले ना मेरे को टैक्स वगैरह वो सब कुछ वो निकालना पड़ेगा, वो कौन करता रहेगा. अभी सेकेंड मेथड से भी करने का है ना, तो पहले मेरे को पैट निकालना पड़ेगा, अभी वो कौन करेगा यार. ओके सो डायरेक्टली आई एम टेकिंग द फर्स्ट मेथड ओनली, ईबीआईटी 180 लेस टैक्स.
tax is at the rate of 35%, no? 180 into 35%. 35% ही था ना? हाँ भाई. 117. This is NOPAT. बस जॉब डन. लिखो अभी EVA इज इक्वल टू, मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, तुम लोग लिखो. वन वन सेवन माइनस 1500 इंटू 15.93. ये बहुत बड़ा नेगेटिव फिगर है ना, 121.95 लाख नेगेटिव. नेगेटिव बेटा, नेगेटिव. यू हैव एडेड नेगेटिव वेल टू द शेयर शेयर होल्डर्स. हाँ, इट्स लाइक बेसिकली योर प्रॉफिट ओनली, नो? इट इज प्रॉफिट ओवर एंड अबव वॉट एवर मिनिमम यू हैड टू बी अर्निंग. तो हम लोगों ने कम कमाया तो नेगेटिव, इट्स ओके. उसको जीरो नहीं लिखने का, वो नेगेटिव ही लिखने का बेटा, ठीक है? सो नो वैल्यू हैज बीन एडेड टू द शेयर होल्डर्स. ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. नाउ ये SFM के अंदर वो पूछा गया था. ओके, SFM के मॉड्यूल्स के अंदर देर इज रॉन्ग आंसर ऑफ दिस. उन लोगों ने ना वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है. ओके, सो वट एवर यू ऑल विश टू बी राइटिंग, यू ऑल कैन राइट डाउन. ऐसा क्वेश्चन SFM के मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है? इट वॉज आस्ड इन May 19 इन SFM, ठीक है? रॉन्ग आंसर इन ICEI SFM मॉड्यूल्स. दे टुक क्लोजिंग CE. जस्ट अगर आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखने का है तो May 19 का ही था मेरे ख्याल से तो. हाँ चलो सुनो. कैलकुलेट EVA ऑफ गुड लक लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो पर्टिकुलर्स, इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये तुम्हारा सेल्स हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये तुम्हारा NOPAT हो जाएगा. सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. NOPAT नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट लेस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद टैक्स लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. एक काम जरा करो, यहां पे ना टैक्स का रेट तुम लोग निकाल देना, जरा कैलसी ले एक बार. 231 डिवाइडेड बाय 770 परसेंटेज, तो ये 30% आ जाएगा, ठीक है? ये मेरे को काम में आएगा बाद में. आगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है? उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ओके, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स टोटल, ओके. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ डेट इज 15%. एक सेकेंड, वो लोग अगर आपको डायरेक्टली कभी ऐसा देते ना कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है? अगर वो लोग कभी डायरेक्ट, अनलेस अंटिल दे से नो, दिस विल बी नथिंग बट इंटरेस्ट रेट ओनली बेटा. अपने को इसके अंदर टैक्स का इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब दिस इज नॉट KD, दिस इज सिंपली इंटरेस्ट रेट. तुमको समझा जो मैं बोला? ओके, अपने को उसको पोस्ट टैक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये एक चीज. आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12%, टैक्स रेट इज 30%. बस इस क्वेश्चन के ना एक चिंदी सा एडजस्टमेंट वो आ गया था जो ICA ने गलत कर डाला. बैड डेट्स ऑफ रुपीज 40 लाख इज इंक्लूडेड, बैड डेट प्रोविजन ऑफ रुपीज 40 लाख इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस.
एंड 40 लाख रुपीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स इन करंट एसेट्स. अच्छा मेरे को तुम लोग एक चीज जरा बोलो, नॉर्मली अगर सपोज मैं 11 स्टैंडर्ड से आज तक का बात करूं, तुम्हारे हिसाब से दिस बैलेंस शीट शुड बी ओपनिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट? जस्ट आस्किंग, जस्ट नॉर्मल स्टफ. अपने को डेट वेट कुछ नहीं दिया, तो ये ओपनिंग होएगा कि क्लोजिंग होएगा? मेरे को फटाक से बोलो ना यार. मैं मर जाऊंगा जी, मैं आज ही मर जाऊं बाई गॉड. ओके बेटा, इफ दे आर गिविंग यू पीएनएल अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, दिस मस्ट बी देयर फाइनल अकाउंट्स. नो जो वो लोग शेयर होल्डर्स वगैरह को देता होएगा, दीज मस्ट बी दोस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. नो ये काइंड ऑफ योर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स वगैरह वो होएगा ना. ओके तो एक मिनट, तुम लोग एनुअल रिपोर्ट के ना ओपनिंग बैलेंस शीट दोगे शेयर होल्डर्स को कि क्लोजिंग बैलेंस शीट दोगे बेटा? क्लोजिंग बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग है, उसके लिए यू ठीक है अभी. ओके तो यहां पे वो लिख के वो रख ही लेना, दिस मस्ट बी क्लोजिंग बैलेंस शीट. चलो सुनो अभी ना, ध्यान से सुनना जरा प्लीज. अपन लोग अपने वाले काम करते हैं, तो अपने वाले काम इन दिस पर्टिकुलर केस, अपने वाले काम पहले ना तुम लोग क्या करो, पहले हम लोग के ई निकालते हैं, शायद वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. के डी निकालेंगे, वो अपने को निकालना पड़ेगा. के ओ निकालते हैं, वो तो तुम्हारा वो एफएम वाला काम है, पहले वो वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद की बात उसके बाद करेंगे. ठीक है तो यहां पे आओ, यहां पे लिखना कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्टली लिखो के ई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, के ई इज इक्वल टू 20%, के डी इज इक्वल टू बेटा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. मेरे को जरा बोलो इनटू व्हाट परसेंटेज बेटा? 70%. 30% का टैक्स रेट है ना, 10.5%. अच्छा सुनो, इसके बाद जरा लिखना कैलकुलेशन ऑफ केओ. पहले ना अपना नॉर्मल केओ निकाल लिया करो बाय योर नॉर्मल योर एफएम रूल्स और समथिंग. ओके तो यहां पे आ जाएगा टाइप, यहां पे आ जाएगा अमाउंट, यहां पे आ जाएगा वेट्स, यहां पे आ जाएगा परसेंटेज कॉस्ट, और यहां पे आ जाएगा कॉस्ट. अच्छा तो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर इक्विटी रिजर्व्स इन सरप्लस 1600. एक सेकेंड ना, जब आप यहां पर कैपिटल लेता है ना बेटा, यहां पर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह नहीं लेते. के ओ कंप्यूट करने के लिए यू फॉलो योर नॉर्मल एफएम सीए इंटर का स्टफ दैट यू ऑल हैव डन. जब भी ईवीए का फॉर्मूला यूज होता है ना, तभी वहां पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता है दैट इज सब्जेक्ट टू ऑल दोज एडजस्टमेंट्स, और वहां पे ओपनिंग कैपिटल होता है. यहां पर यू आर गोइंग टू बी टेकिंग नॉर्मल व्हाट एवर इज गिवन टू यू. ठीक है तो अगर तुमको चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट एन एस्ट्रिक एंड राइट समवेयर इन द टेरिस फॉर दिस के ओ यूज नॉर्मल एफएम प्रिंसिपल्स ऑफ सीए इंटर. और उसका ना तुम लोगों को रीजन भी बोल देता हूं. जिस बंदे ने ईवीए बनाया था ना, वो बंदे का नाम एक तो याद वो करके ही जाना. ओके स्टर्न स्टीवर्ट. अभी उस बंदे ने ना बेटा के ओ का बुक नहीं लिखा था. ओके सो ही जस्ट टोल्ड वट एवर आर द रैशनल्स फॉर के ओ यू आर गोइंग टू बी यूजिंग द सेम रैशनल्स. ओके उसने ईवीए के फॉर्मूला के अंदर जो के ओ बोरो किया था ना, वो उसने नॉर्मली जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूल्स हैं उसी से किया था. तो वहां पे ऑल दोज थिंग्स आर नॉट टू बी डन एज सच. ओके वहां पे कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं करना प्लीज. ओके सो देयरफॉर टाइप के अंदर सबसे पहले इक्विटी प्लस रिजर्व्स तो ये आ जाएगा 1600
फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200, तो ये आ जाएगा 1800। आउट ऑफ 100 जरा निकाल बेटा, एटी एट पॉइंट एट नाइन आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा, 20%, 10.5%, 17.78, 1.17 दे लेता हूं, 17.78 प्लस 1.17, 18.95, दिस इज KO। बोल। एक मिनट बेटा। के इज 12%। घोंचू लोग तो सोते रहते हो, तो हमेशा की तरह लिखो इधर, मैंने 20 किधर से लिया पिछले क्वेश्चन से, एक मिनट। हाँ, मेरा मेमोरी सॉलिड पावरफुल है। 12%, 88.89%, 10.67, 11.84 आता है बेटा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को दो चीजें अभी चाहिए, एक नोपैड चाहिए और एक कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ठीक है, यहां पे ना ऐसा तुम लोग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नोपैड एंड एडजस्टेड नोपैड। सुनो, मैं ना पहले ईबीआईटी से स्टार्ट कर रहा हूं, या फिर आप लोग उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो। क्वेश्चन के अंदर देख जरा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये वाला फिगर है 800। ठीक है, लेस टैक्स पेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है बेटा 231। अच्छा, लेकिन मेरे को जरा बोलो, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ दैट बैड डेट प्रोविजन वाला, दैट आई विल स्टिल थिंक, मेरे को बोलो ये जो 231 है, दिस इज नॉट द करेक्ट टैक्स पेड, क्योंकि इस टैक्स के अंदर, वैसे तो दिस इज टैक्स पेड, लेकिन इसके अंदर आगे कुछ बोलो ना, इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स बचा वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है ना। आई एम डूइंग बाय दैट थर्ड वाला मेथड, तो कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर केस लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट? नो, मेरे को जरा बोलो, इट विल बी व्हाट इनटू व्हाट बेटा? चौथा क्वेश्चन है, कुछ तो बोलो अच्छे तरीके से। 30 into 30%, सो देयरफॉर 30 into 30% 9 आ जाएगा। वैसे तुम लोगों को बोल देता हूं बेटा, तुमको समझ में आएगा डायरेक्टली, अगर 800 इंटू 70% भी करता तो भी वही आंसर आता ना। ओके, आप लोगों को जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, लेकिन ना ऐसे ही करना, इट इज स्लाइटली बेटर एटलीस्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, ये नो पैट आ गया, लेकिन सुन, ये नो पैट ना अभी इस बंदे ने क्या बोला था, इसको एडजस्ट करने का फॉर दो 6 एडजस्टमेंट्स। एक सेकेंड, 6 एडजस्टमेंट्स क्या क्या थी? लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ अपने को दिया नहीं। सेकेंड, इन दिस पर्टिकुलर केस इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, उसके बारे में कुछ नहीं दिया, सो देयरफॉर ऑब्वियसली इट इज अज्यूम दैट इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज सेम, दैट्स अंडरस्टूड। वैसे भी बेटा मेरे पास क्वेश्चन के अंदर तो डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो मारो गोली उसको। फिर उसके बाद
नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश इनकम्स नहीं है, लेकिन फिफ्थ चीज उन लोगों ने क्या बोला था इन दिस पर्टिकुलर केस, कोई भी फालतू प्रोविजन लाइक बैड डेट वगैरह होंगे ना वो सब निकाल डालना. तो कैन बी से बैड डेट प्रोविजन ऑफ 40 lakhs इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रुपीज 40 lakhs इज रिड्यूस फ्रॉम रिसीवेबल्स इन करंट एसेट्स. तो सबसे पहले अपने को वो 40 का इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना, मेरे को जरा बोलो वो आप लोग ऐड करेगा कि लेस करेगा? ऐड करेगा. तुम लोगों को ना एक चीज मैं बोलता हूं और ध्यान से ना, यू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. आई एम नॉट रेक्टिफाइंग माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुका है, ऑडिट वगैरह हो चुका है, बस ईवीए की कैलकुलेशन के लिए. एक बार नोपैट आ जाता है ना, वो लोग क्या बोलता है, यू एडजस्टेड फॉर ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग. सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी डूइंग. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर लास्ट टाइम मेरे को बोलो ऐड के लेस बेटा, ऐड. तो यहां पे लिखना ऐड बैड डेट प्रोविजन, कितने का है वो 40. बोल. नहीं बेटा, मैं इसलिए मैं अभी अभी एक लाइन वो इसी के लिए बोला ताकि वो वाला डाउट ना आए. ठीक है, यू आर नॉट रीकंप्यूटिंग, यू आर नॉट रीमेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, ईवीए के लिए हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेंज नहीं करने वाले. तो दिस गाय नो व्हाट ही हैड टोल्ड, आप लोग अपना नो पैट निकाल लो, उसके बाद डू दीज पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी सेइंग कि सर ये चीजों का भी टैक्स इफेक्ट वगैरह तो होएगा, बट ही टोल्ड नो दोज विल बी एडजस्टमेंट्स डन टू योर नो पैट. देखो समझा जो मैं बोला. ओके, तो वंस यू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर नो, जस्ट डू दोस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स. इसलिए मैंने यहां पे दो अलग अलग चीजें लिखी, यू कैलकुलेट योर नो पैट ओवर हियर और फिर ईवीए के हिसाब से कैलकुलेट एडजस्टेड नो पैट. ओके, तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस बस वो 40 डायरेक्टली ऐड कर देने का, अभी ये चीज के टैक्स इफेक्ट के बारे में नहीं बात करने का. ठीक है, डायरेक्टली जस्ट एड इट, दैट इज वॉट एवर द ईवीए थिंग इज. इसलिए मैं ना वो शुरू से आई एम ट्राइंग टू से वन सिंगल थिंग, इट्स अ ट्रेडमार्क कंसेप्ट. ओके, वो बोलता है कि पहले आप लोग अपनी स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं आप लोग पहले नो पैट वगैरह वो निकाल लो. आप लोगों ने वो वाला चीज वो निकाल लिया. ओके, वो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के हिसाब से उसके बाद जस्ट मेक दीज एडजस्टमेंट्स. सो दैट्स व्हाट वी ऑल आर डूइंग. ठीक है, सो दिस इज एडजस्टेड नो पैट. सुनो, आईसी ने ना एसएफएम मॉड्यूल्स के अंदर ये वाला चीज बराबर किया है. उन लोगों ने यहां पर कोई गलती नहीं किया, उन लोगों का भी आंसर यही वाला चीज आया. ठीक है, लेकिन उसके बाद ना कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे जरा लिखना एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड. अच्छा सुनो बेटा, कैपिटल ऑलवेज मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल. कैन वी से इट विल बी 1800? ओके, अगर सपोज मैं बैलेंस शीट ऐसा बनाऊं तो बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग कैपिटल और यहां पे तुम्हारा एक इक्विटी वाला वो पार्ट आ जाएगा, मतलब जो शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, और दूसरा तुम्हारा यहां पे वो डेट वाला फंड्स आ जाएगा. तो बेटा ये जो है 1600 है, ये जो है 200 है, फिर उसके बाद तुम्हारा करंट एसेट्स जो है वो 600 है, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स जो है 2000 है, लेकिन ऑब्वियसली यहां से मेरे को करंट लाइबिलिटीज भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 800 एज सच. सो देयरफॉर ये वाला जो चीज है ये नेगेटिव 200 आ जाएगा. ठीक है, अभी वो लोग क्या बोलते हैं, तेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो 1800 का है, तू इसके अंदर वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर. लेकिन मेरे को जरा बोलो, मेरे को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए कि क्लोजिंग? ओपनिंग. कैन बी से मैंने अगर इस साल का प्रोविजन जो मैंने 20 का क्रिएट किया थ्रू माई पीएनएल अकाउंट, अगर मैं वो चलो नलिफाई भी कर दूंगा, दैट विल अफेक्ट माई क्लोजिंग बैलेंस शीट? नो, दैट विल नॉट अफेक्ट द ओपनिंग बैलेंस शीट. नो. ओके, वो आईसीए ने गलत किया है. ओके, यहां पे ना एक तो कैपिटल लेटर्स के ना लिख के रखना ओपनिंग. तुम लोग कोई भी फोरम वगैरह, क्योंकि दिस इज वन थिंग ना, अभी आईसीए डजंट डू करेक्ट, सो देयरफॉर आई डोंट हैव मच चॉइस बट ट्राई टू क्रिटिसाइज देम ओनली. अपने को ओरिजिनली ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेने का, एडजस्टेड फॉर दोस पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, तो यहां पे जरा लिख के रखना कैपिटल एम्प्लॉयड एज गिवन, दैट इज 1800.
यहां पे ऐसे लिखना एड बैड डेट प्रोविजन क्रिएटेड इन दिस ईयर. Will not affect opening capital employed. मैं थोड़ी देर में एक और चीज भी पूछूंगा जो एक्चुअली तुम लोगों को मेरे को पूछना चाहिए था, लेकिन तुम लोग वो नहीं पूछते. हाँ बराबर, तो वो ही एक चीज था. सुनो मेरी बात, अभी ना इन दिस केस देखो मेरे को कौन सी कैपिटल चाहिए, मेरे को तो ओपनिंग चाहिए. ओके अभी जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ना इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमको क्या बोलता हूं, अगर मेरे को कुछ नहीं दिया, ओके मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को कुछ नहीं दिया व्हाट डू यू थिंक आई शुड अज्यूम, कि साल के ना कोई फ्रेश इश्यू था कि नहीं था. आई एम जस्ट आस्किंग. नहीं था तो ओपनिंग ये वाला चीज तो वही रहेगा. एंड आई थिंक इट इज ओके फॉर मी टू बी अज्यूमिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर फिगर वाज आल्सो दैट ओनली. ठीक है, नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस ना इसका पंगा है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हिल जाता है ना बेटा. रिजर्व्स एंड सरप्लस ओपनिंग और क्लोजिंग वाला अलग अलग हो सकता है. मेरे को जरा बोलो मोस्टली अलग ही होगा कि सेम ही रहेगा. मोस्टली अलग होएगा. एंड कैन वी से इस साल का प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हुआ रहेगा ना. लेकिन शायद वो 539 भी नहीं होएगा, क्योंकि 539 के अंदर से पहले यू विल पे योर इक्विटी डिविडेंड्स नो. ओके सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली कि कितना इक्विटी डिविडेंड था ये वो वगैरह. आई एम नॉट अवेयर ओनली ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स. तो अभी फिर क्या करें. So in that particular case, what I am assuming is a very simple thing, okay, to justify my answer. I can give you the other answer also, okay. That whatever was the PAT was distributed in form of the dividends. Tumko samjha jo main bola? Yes. If 539 was distributed in form of the dividends, so can we say if reserves and surplus ke na kuch add hi nahi hua rahega? तो अपना ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 600 ही होएगा. इज दैट ओके? कोई अगर बोलता है नहीं सर आप क्या क्या येड़ा अजम्पशन मारता है सर, तो चलो ठीक है. देन यू ऑल विल अंडरस्टैंड आई हैव द ओनली ऑप्शन. द अदर ऑप्शन इज दैट सर इक्विटी डिविडेंड, देयर वाज नो इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर. अगर ऐसा करेगा तो कैन यू से देन दिस पर्टिकुलर फिगर शुड बी टेकन एज 600 माइनस 539 नो. ओके बोलते सर एक मिडल अजम्पशन मारे कि थोड़ा सा इक्विटी डिविडेंड वॉज पेड, वो बराबर है, लेकिन इस अजम्पशन के साथ देखो एक और अजम्पशन भी तो फिर मारना पड़ेगा. बोलो क्या कि हाउ मच डिविडेंड वॉज पेड. ओके एग्जाम्पल में कुछ भी एक बंडल मारता है, सपोज आउट ऑफ 539 39 रुपीज का डिविडेंड वॉज पेड. ठीक है तो कैन यू से देन 500 मस्ट हैव गॉन इनसाइड द बैलेंस शीट. तो फिर ये वाला फिगर फिर आपको वो 1100 लेना पड़ेगा. इज दैट अंडरस्टूड? ओके तो नाउ व्हाट आई एम गुड देख सारी की सारी बेटा वो अजम्पशंस ही हैं. अभी मैं क्या तुम लोग को बोलूं, सारी की सारी वो अजम्पशंस ही हैं. ओके तो एनीथिंग इज ओके यार. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग इज दैट ये 1800 ना यहां पर लिख के रखो. राइट डाउन इट इज अज्यूम्ड दैट opening capital employed was 1800 lakhs only.
that is entire profit of this year was distributed as dividend. Entire profit was distributed as dividend. My job is done. EVA का फॉर्मूला लिखो. बोल. हाँ. क्या लेस हुआ रहेगा? जो जो बैड डेट्स वाला वो जो प्रोविजन है बराबर है तो वो लेस हुआ रहेगा, लेकिन मेरे को वो वाला एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आई वॉन्ट ओपनिंग. अगर इस साल कुछ प्रोविजन क्रिएट हुआ That will not affect the closing balance sheet, no? तो इस बैलेंस शीट के अंदर ये जो तेरा करंट एसेट है ना बेटा, ये जो तेरा करंट एसेट है ये वाला, ओरिजिनली इट इज 640 minus 40. ओके, नीचे प्रोविजन इस साल उन लोगों ने वही वाला चीज तो लिखा हुआ है ना बेटा, 40 lakh. लेकिन तेरे को ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वी आर ओनली सपोज टू बी डूइंग ऑल दोज एडजस्टमेंट दैट विल अफेक्ट माई ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. नो, मैंने वही तो बोला एग्जैक्टली. तेरे को वो वाले प्रोविजंस ही चेंज करने पड़ेंगे विच विल अफेक्ट द ओपनिंग वन. नो, दिस वॉज क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, सो देयरफॉर दैट अफेक्ट्स योर क्लोजिंग बट नॉट द ओपनिंग. नो, एक मिनट, अगर मैं देखो अकाउंट्स का फंडा वो बोलूं तो इस साल प्रोविजन क्रिएट, देखो समझ में आ गया बेटा? अगर मैंने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया तो मैंने उसका दो इफेक्ट तो वो किया रहेगा. एक, मैंने इन दिस केस मेरे पीएनएल अकाउंट को डेबिट वो किया रहेगा, मेरे को वो तो एडजस्ट करने का है. तो करेक्ट नो, मेरे को वो तो एडजस्ट वो करने का है ना, क्योंकि मेरे को इस साल का नो पैड चाहिए. करेक्ट नो, जवाब दे जल्दी जल्दी. हाँ, लेकिन दैट विल बी अफेक्टिंग, ये जो 40 है दैट विल बी अफेक्टिंग योर क्लोजिंग स्टफ. नो, इल नॉट अफेक्ट योर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. नो, तो इसलिए तो वो इग्नोर किया मैंने, यहां पे वही वाला चीज तो लिखा है इनफैक्ट. ओके, ठीक है, 11.84%. सर बोल. सर इन अदर वे ऐसा भी हो सकता है ना कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ये 1800 वो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्लोजिंग बैलेंस ही तो है. हाँ, तो 40 lakh का जो बैड डेट्स है वो प्रॉफिट में लेस हुए, तो अल्टीमेटली लेस हो गए तो 5,539 है जो बेटा 539. एक मिनट, तेरा बैड डेट प्रोविजन किधर ना किधर इस नंबर के अंदर होएगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूं कि होएगा, तो इसलिए तो वो रिवर्स किया ना आप उन लोगों ने. हां सर, मैं भी वही बोल रहा था, मतलब मुझे उन्होंने अजम्पशन के उसके अंदर वो सॉल्व हो जाता ना बैड डेट का. बैड डेट्स के लिए कोई अजम्पशन बेटा वो है ही नहीं. जब आप साल के अंदर, एक सेकेंड, आप लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट साल के एंड में मारोगे बराबर है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जब भी मैं वो मारेगा, एक मैं पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर ना किधर उसने तो वो आया रहेगा, तो एक तो मैंने वो नलीफाई कर दिया, वो दूसरा मैंने उसको करंट एसेट के अंदर से किधर ना किधर लेस करके तो वो रखा होगा, लेकिन दैट थिंग विल बी अफेक्टिंग माई क्लोजिंग कैपिटल. नो, हाउ विल इट अफेक्ट माई ओपनिंग? आई थिंक यू आर क्लियर, यू आर ट्राइंग टू गिव एन ऑल्टरनेट आंसर. करेक्ट? नो, यस सर, यस.
हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तेरे ऊपर ही भड़क गया। तो 1800 इंटू 11.84% माइनस 600 386.88, ये लैक्स है ना इस क्वेश्चन के अंदर, लैक्स है। आईसीए ने ये वाला जो चीज है ना वो 1840 लिया है, जो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए था। करेक्ट आंसर नो? चलो ठीक है, दिस इज ऑल डन। चलिए गाइस, सो वी विल स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज देयर क्वेश्चन नंबर 1-4 वी ऑल हैव फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर 5 वी ऑल आर स्टार्टिंग राइट नाउ। ओके पढ़िए जरा प्लीज। ये नवंबर 20 का मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन है। इन एनी केस आप लोग के जो वीडियोज आते हैं वहां पे आई मेंशन आल्सो लाइक यू नो हर एक क्वेश्चन जो है वो आरटीपी का है या किधर का है। ओके क्वेश्चन नंबर 5, जल क्लीनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड विद एन एम फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन नागपुर एज वेल एज सप्लाई ऑफ वाटर टू द वेरियस लोकल अथॉरिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू विलेजेस एंड स्मॉल सिटीज एडजेसेंट टू द नागपुर अंडर मिशन पानी। ओके तो दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश विद द एम टू सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द वॉटर। ओके दे सप्लाई इन नागपुर, दे ऑल्सो सप्लाई टू द लोकल अथॉरिटीज ताकि फ्रॉम देयर इट कैन गो टू द विलेजेस एंड टू द स्मॉल सिटीज विच आर नियर टू नागपुर अंडर द मिशन, वो मिशन का नाम है उधर। ओके दिस इन्वॉल्व प्लानिंग ऑपरेटिंग ट्रीटिंग मेंटेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है फर्दर इन्वॉल्व प्लानिंग ऑपरेटिंग ट्रीटिंग मेंटेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्रीज अर्बन सेंटर एंड अदर एरियाज मैंडेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है तो वो ये सारे के सारे काम करते हैं। द मिशन स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड क्लीन एंड इकोनॉमिकल वाटर फॉर हेल्दी लाइफ टू द पब्लिक। ठीक है देर आर टू डिविजन्स, टू ऑपरेशनल डिविजन्स ऑफ JCDCL DSL वाया विज, दैट इज एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन है WDO फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स। ओके ये हो गया एक डिविजन एंड जो दूसरा वाला है वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर इन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स। ठीक है एक सेकेंड, उनका एक डिविजन है जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन। ठीक है पाइप्स वगैरह के थ्रू जैसे अपने घरों के अंदर पानी वगैरह आता है। ठीक है एक और डिविजन है जो वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन करता है। ओके जो लोग वो बिस्लेरी टाइप बॉटल्स वगैरह वो लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है द स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट JCDSL डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स मोनोपोली पोजिशन इन द रीजनल एरिया बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस। ओके द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज थ्रू इट्स वाटर रेगुलेटरी बॉडी which determines an acceptable level margin of ROCE and ensures that pricing of JCDSL within these areas does not break this level. Ek baar zara ye wala line padho. Bolo kya bolta hai ki jo government hai na wo control karta hai majority of the services. और वो लोगों ने ना एक एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल सेट किया हुआ है जिसको लोग ROCE बोलता है, यू ऑल नो द फुल फॉर्म ऑफ इट। और वो लोग इंश्योर करते हैं कि ये वाली जो कंपनी है ना डजंट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स मोनोपोली पोजीशन। ऑब्वियसली वो लोग बोलते हैं कि इससे ज्यादा ROCE आप लोग नहीं कमा सकते। ठीक है तो प्राइसेस उतने ही रखो ताकि ROCE इससे ज्यादा ना हो। ठीक है और वो कितना होगा वो थोड़ी देर में पता वो चली जाएगा। ये एक और बार जरा ये वाला चीज पढ़ना एंड देन विल कम बैक टू दिस। द स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट JCDSL डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स मोनोपोली पोजीशन इन द रीजनल एरिया बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस। वो लोग बोल देते हैं
कि ना हम लोगों ने मतलब जो सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डाल के वो रखा हुआ है ताकि वो मोनोपोली पोजीशन का एडवांटेज ना ले. इट सप्लाइज अ नेसेसिटी यार, देयर इज नथिंग बट वाटर. और उन लोगों ने एक आरओसी का परसेंटेज तय करके रखा हुआ है कि आपके प्राइसेस जो हैं उतने ही रखना ताकि इससे ज्यादा आरओसी ना हो सके. ठीक है. दी अदर ऑपरेशन दैट इज पैकेज वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. जो वो दूसरा वाला ऑपरेशन है ना, जो दूसरा वाला डिविजन है, दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड जे सी डी एस एल इज फ्री टू चार्ज मार्केट रेट फॉर द सप्लाई ऑफ द बॉटल्स. एंड आई थिंक दिस मस्ट बी ओके ओनली. ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये वाला जो ऑपरेशन है, इसके लिए इन लोगों की मोनोपोली है. ओके, कि दे डिस्ट्रीब्यूट द वॉटर अप एंड सो ऑन वगैरह. लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए बेटा मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन वगैरह भी होगा. जो वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन है तो बाकी कंपनीज वगैरह, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तुमको जो चार्ज करने का करो. ऑब्वियसली अगर ज्यादा चार्ज करेंगे पीपल विल नॉट बाय द थिंग्स ओनली. नो, आगे द कंपनी इज फ्री टू यूज अ वॉटर फॉर वॉटर पैकेजिंग ऑपरेशन. बट अगर तुम्हारी बुक के अंदर ये अलग अलग लाइन्स हैं तो ये सेम पैराग्राफ ही है बेटा. द कंपनी इज फ्री टू यूज वॉटर फॉर वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन बट द टोटल यूज ऑफ वाटर फॉर वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन कैन नॉट एक्सीड 35% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ वाटर बाय द कंपनी. वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको जितना पानी यूज करने का है वो कर सकते हो, लेकिन जो वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन है ना, जितना भी पानी यूज करते हो, ओके, जितना भी सप्लाई ऑफ वाटर है उसके अंदर से मैक्सिमम 35% ओनली यू कैन यूज फॉर वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन. जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है तुमको इतना समझ में आएगा कि दैट तो यू आर सप्लाइंग नेसेसिटी वाटर, ओके, एट होम्स वगैरह या फिर एट विलेजेस ये वो वगैरह. ओके, तो वहां पे कोई कैप नहीं है. ओके, जो कैप है वो इस ऑपरेशन के लिए है. अगे द कंपनी एट प्रेजेंट इज ओनली यूजिंग 20% ऑफ वाटर सप्लाई फॉर पैकेजिंग ऑपरेशन. तो करंटली हम लोग सिर्फ 20% ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इन दिस पर्टिकुलर केस किस लेवल तक जा सकते हैं 35%. तो एग्जाम्पल, बस तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. सपोज अपन लोग यहाँ पे 1000 मिलियन लीटर्स कुछ ऐसा, ओके, 1000 मिलियन लीटर्स अपने को वाटर वगैरह का सप्लाई आता है. हम लोग उसके अंदर से 350 मिलियन लीटर्स, ये कुछ भी नंबर मैंने डाला प्लीज, ओके, उसके ऐसे 350 मिलियन लीटर्स आप लोग वो पैकेजिंग वगैरह वाला जो बिजनेस है जहां पे आप लोग वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वो सप्लाई करते हो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो. लेकिन करंटली आप लोग सिर्फ यहां पे 20%, तो 20% मतलब 200 मिलियन लीटर्स ही यूज कर रहे हो. ये 1000 मिलियन लीटर्स मैंने किधर से भी कोई रैंडम नंबर बोला, ठीक है. तो मतलब यहां पर अगर अपना डिमांड वगैरह आए तो यहां पर अपने पास स्कोप है, क्योंकि अपने को वो पानी का दिक्कत नहीं होगा. तो करंटली आप लोग वो कम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है. आगे द ब्रांड नेम ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज स्वच्छ जल, ठीक है, विच इज पैक्ड इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स. चलो ठीक है. द वॉटर रेगुलेटर कैलकुलेट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ जे सी डी एस एल बेस्ड अपॉन इट्स ओन वैल्यूएशन. बेस्ड अपॉन, ये अंडरलाइन करना, बेस्ड अपॉन इट्स ओन वैल्यूएशन. एन असेसमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट्स विच आर यूज इन ऑपरेशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम दीज सर्विसेज. एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ आर ओ सी इज सेट बाय द रेगुलेटर 6.50. मतलब आपका जो आर ओ सी है ना वो 6.5% के ऊपर नहीं जा सकता. इफ जे सी डी एस एल ब्रीचेज दिस लेवल देन द कंपनी वुड बी हेविली पीनलाइज. ठीक है. ये जे सी डी एस एल होना चाहिए बोर्ड इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स. चलो ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड to consider economic value added as a key performance indicator in order to meet the objective of maximizing shareholders wealth. तो वो लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय करके रखा हुआ है कि EVA यूज करेंगे एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ठीक है. की फाइनेंशियल डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020 इज गिवन बिलो. तो चलो ठीक है. वट इज गिवन बिलो, पढ़ो जरा प्लीज. पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन 585, वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन 212, इन ऑल 797. तो मेरे को वैसे जरा एक चीज तो बोलो, इनका सबसे ज्यादा जो मतलब रेवेन्यू है वो कौन से डिविजन से आ रहा है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन. अगर मैं टाइम पास के लिए एक परसेंटेज वगैरह वो निकालू ना,
दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर, तो 585 डिवाइडेड बाई 797%, तो अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ द रेवेन्यू तुम लोग को इसी ऑपरेशन से आ रहा है, ये वाले ऑपरेशन से तुम लोगों को काम आ रहा है. ओके, तो अगर मैं रेवेन्यू के हिसाब से देखूं तो अब जरा सोचो दैट इन दिस पर्टिकुलर केस लाइक यू नो ज्यादातर रेवेन्यू जो है वो यहां से आ रहा है. तुमको एक चीज देखो शायद समझ में आएगा, ये वाला जो अपना बिजनेस है ना, देयर इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ श्योर शॉट बिजनेस. अपने को यहां से पैसा वैसे भी आता रहेगा. तुमको समझा क्यों? क्योंकि इन एनी केस ये मोनोपोली टाइप सिचुएशन है अपनी. अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस वी सप्लाई टू द गवर्नमेंट पीपल अप एंड सो ऑन द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो यहां से शायद अपने को पैसा कम आए क्योंकि हम लोग आरओसी को ब्रीच नहीं कर सकता. ओके, लेकिन अपने को पैसा तो आता रहेगा. ओके, और अच्छा खासा आता है. ओके, अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करके देखूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अब जरा देखो 73% रेवेन्यू यहां से आता था, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से तो वो देखूं ना, तो अब जरा देखो 110 डिवाइडेड बाय 176, ओके 62.5% ही अपना प्रॉफिट यहां से आता है. तो रेवेन्यू ज्यादा आता है लेकिन अपने को प्रॉफिट यहां से कम आता है. इट मींस, इट ऑल्सो मींस, कुछ और बोलो ना मेरे को, अपने को इस डिवीजन से रेवेन्यू का परसेंटेज वो ज्यादा आता है लेकिन अपने को प्रॉफिट का परसेंटेज जो है ना, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे वाले से कम आता है, आई एम सेइंग इन दिस केस कम आता है. ओके, सिर्फ 62.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट वी ऑल ट्राई टू बी गेटिंग फ्रॉम हियर. दैट मींस, कुछ और आगे बोलो ना. तुम लोग क्या कार्टून्स हो. इट मींस दैट वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन का जो कॉस्ट है ना, दैट मस्ट बी स्लाइटली हायर ओके देन द अदर पर्टिकुलर डिविजन. और वो वाला चीज मैं तुम लोग को प्रूफ करके भी दे सकता हूं. अभी कैल्सी उठाओ, आई एम नॉट पिकिंग अप द कैल्सी. मेरे को जरा बोलो, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स निकालो, तो मेरे को निकाल के दो वो डब्ल्यू डी ओ डिविजन का, निकाल के दो. दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर, तो वो कितना आता है बेटा? 18.8% आता है. लेकिन अगर दूसरे वाले का देखेगा ना बेटा, तो 66 डिवाइडेड बाय 212, ये वाला जो चीज है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 31.13%. ओके, तो तुमको ये चीज शायद समझ में आए कि ना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन डिवीजन, ये वाला जो पहला वाला डिवीजन है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना. इट इज अ बिजनेस, इट इज अ डिवीजन दैट इज गिविंग मी मोर रेवेन्यू, इट इज गिविंग मी मोर प्रॉफिट ऑल्सो एज कंपेयर टू द अदर पर्टिकुलर डिवीजन, बट द मार्जिन ओवर हियर आर लेस. ओके, और शायद तुमको एक और चीज समझ में आएगा कि ना यहाँ पे स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स विल बी वेरी लेस, क्योंकि मैं प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता. तुमको समझा? बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर. तो उन लोगों ने क्या बोला है कि अगर तुम्हारा जो आरओसी है ना वो 6.5% के ऊपर गया ना, तो तुम लोग को हेविली अपन लोग तो वो पिनलाइज वगैरह वो करेगा, तो वो लोग बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकता. लेकिन यहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, और ये वाला जो इनका बिजनेस है ना, ओके, यहां पर अपने को नेट प्रॉफिट मार्जिन जो मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं. बट द ओनली थिंग इज इन दिस केस करंटली वी आर अंडर यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ द वॉटर दैट वी ऑल कैन बी गेटिंग. हम लोग 35% ले सकते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ कितना परसेंट ले रहे हैं? 20%. इज दैट ओके? ठीक है, आगे. तो ये हो गया इन दिस केस तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलो ठीक है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इन करोड़ फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पर्टिकुलर्स 2019-20, 2019-2018-19, as per audited accounts. मेरे को कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, तुम लोगों ने वो फालतू आंसर दिया था. This must be capital employed in the last two years. मतलब by default this must be the closing capital employed की opening capital employed. Closing, ठीक है. तो this will be the capital employed as on 31st of March 2020. This must be the capital employed as on 31st of March 2019. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. As per audited accounts and as per WDO operations, sorry, as per the water regulator for WDO operations only. Okay, ये वाला जो चीज है ना, ये सिर्फ कौन से डिवीजन का कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा? WDO डिवीजन का. मेरे को बोलो, उन लोगों को वैसे भी तुमको ये वाला फिगर तो देना चाहिए था. मेरे को बोलो क्यों? ताकि वी कैन स्टार्ट टू कंप्यूट कि ना आरओसीई 6.5% के लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा. तुमको समझा जो मैं बोला? आगे आगे,
द फॉलोइंग नोट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इनटू एनालिसिस. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इन करोर्स इंक्लूड डिप्रिसिएशन, ओके, दोनों सालों का दिया हुआ है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों सालों का दिया हुआ है. उसके बाद आरएनडी कॉस्ट एक साल का दिया हुआ है 2019-20 का. अदर नॉन कैश आइटम्स यहाँ पे दिया हुआ है. इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन इज रुपीज 156 करोड़ इन 2019-20. ओके, इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन वॉज अज्यूम टू बी सेम. चलो ठीक है, तो 2019-20 का ऑब्वियसली ये वाला डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है, ये वाला जो डिप्रिसिएशन है ये इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन है. ठीक है, आगे करंट ईयर टैक्स पेड इज 23 करोड़ एंड डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स ऑफ रुपीज 2 करोड़ हैव बीन एडजस्टेड. ठीक है, वो जो भी डेफर्ड वगैरह है वो सब आ गया इसके अंदर. देवर नो डेफर्ड टैक्स बैलेंस बिफोर 2019-20, तो उससे पहले ये फालतू प्रोविजन वगैरह वो नहीं थे. ठीक है, the provision for doubtful debts was rupees 12 crores in 2019-20 balance sheet. चलो ठीक है, तो provision for doubtful debts तुम्हारी 2019-20 के balance sheet के अंदर 12 करोड़ का था. अभी मेरे को तुमको end के अंदर ना मेरे को वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा accounts कितना अच्छा था. चलो वो देखेंगे बाद में. Research and development cost, ये वाला cost has been non-capitalized. Non-capitalized मतलब it has been written off, और क्या. It belongs to a new project that will be developed over 6 years and expected to bring long-term benefits to the company. 2019-20 is a first year of this particular project. Okay. तो इससे पिछले साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था. ओके, ये अपना पहला साल है जहां पे अपन लोग ने ये आरएनडी वगैरह का खर्चा करके उसको राइट ऑफ वगैरह वो किया है. बोलो क्या बोलता है कि ये वाला जो आरएनडी है ना, दिस इज डन फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग, जो 6 years के ना वो डेवलप होगा. तो हम लोगों ने कल ये वाला चीज किया था कि अगर ऐसा है तो सो देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एन एक्सपेंस यार, इट इज एन एसेट नो फॉर यू. ओके, सो देयरफॉर ऐसी चीजों को हम लोग राइट ऑफ नहीं करना चाहिए. दिस इज आर कैपिटल एज सच. ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी 15%, डेट पोस्ट टैक्स 5%. तो मेरे को बोलो ये जो 5% है ये केडी डायरेक्टली है कि मेरे को 1-TV करना पड़ेगा. ये केडी ही है डायरेक्टली. ठीक है, आगे गेयरिंग ऑफ JCDSL इक्विटी, तो इक्विटी उनके पास 30% है, डेट जो है उनके पास वो 70%. ये हो गया उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा जैसा है. ठीक है, कैलकुलेट EVA ऑफ JCDSL फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020 बेस्ड अपॉन अबव इंफॉर्मेशन. मैं वन ऑफ द रीजन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन इज दिस. ओके, आगे सेकंड, इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट करो कि कंपनी कैसा कर रहा है. आई थिंक ओवरऑल तो चलो अच्छा प्रॉफिट वगैरह कमाता है. असेस वेदर JCDSL कंप्लाइज विद द एक्सेप्टेबल ROCE लेवल. एक सेकंड, मेरे को बोलो ROCE लेवल अपने को कौन से ऑपरेशन के लिए चाहिए, WDO के WPO? WDO. तो यहां पे लिख देना फॉर WDO डिवीजन, वो इंप्लाइड है, वो सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, बट जस्ट आई एम राइटिंग फॉर योर रेफरेंस. आगे एडवाइस हाउ JCDSL कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड EVA इन फ्यूचर. चलो ठीक है, तो वो लोग तुमको क्या बोलता है ये बताओ, फ्यूचर के ना प्रॉफिटेबिलिटी और EVA कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो अपने को यहां पे ना सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 और 7 से ना अपन लोग अपना KO निकाल लेते हैं. हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन वो वैसे ही किया यार. तो पहले अपन लोग KO निकाल लेते हैं, फिर NOPAT निकालेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल, और यहां पर ना सारी की सारी एडजस्टमेंट्स विल स्टार्ट टू बी कमिंग. ऑलमोस्ट जो अपन लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट ऑल दी एडजस्टमेंट्स. ओके, तो लिखो जरा प्लीज राइट डाउन. लिखो पहले KE इज इक्वल टू 15%, KD इज इक्वल टू 5%, वो तुम लोग लिखो. KE इज इक्वल टू 15%, KD इज इक्वल टू 5%. टाइप अभी यहां पे ना डायरेक्टली तुम लोगों को समझ में आएगा, अमाउंट्स अपने को दिया ही नहीं है, डायरेक्टली वेट्स ही लिख लेंगे अपन लोग. लिखो उसके बाद.
तो कैलकुलेशन ऑफ के ओ, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये 100 है तो बेटा ये जो है इक्विटी तेरा 30% है, ये तेरा 70% है। जरा के ओ निकालो ना एक बार प्लीज। कितना आता बेटा? 8%। चलो ठीक है, अभी कैलकुलेशन ऑफ नो पैट एंड एडजस्टेड नो पैट। अच्छा एक छोटा सा चीज बेटा, जब आप ईवीए निकाल रहे हो ना तो मेरे ख्याल से अपने को ईवीए तो पूरी कंपनी का ही चाहिए, तभी अपने को डिवीजन वाइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पूरी कंपनी का ही चाहिए अपने को। जो भी डेटा यहां पर जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह ये वो सब कुछ, ये सब कुछ पूरी कंपनी का ही दिया हुआ है यार। लिखो जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट एंड एडजस्टेड नो पैट। अच्छा तो कल की तरह विल स्टार्ट अवे विद ईबीआईटी। ओके तो हम लोग वो ईबीआईटी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वो ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल देते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पूरी कंपनी का वन सेवेंटी सिक्स। अच्छा इसके अंदर से अपने को टैक्स लेस करने का है। सुनो अभी ना हम लोगों ने कल जो एडजस्टमेंट्स वगैरह वो लिखा था ना, वहां पे देखो एक पॉइंट मैंने स्पेशली वो लिखा था। देखो यहां पे वैसे तो टैक्स रेट 30% है, वैसे तो अपने को ये वाला फिगर वो लेना चाहिए, लेकिन ये वाला जो बंदा है, ओके ये बंदे का नाम तुम लोग भूल जाते हो तो इसलिए बार बार मैं यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह भी कर लेता हूँ। स्टर्न स्टीवर्ट, ये बंदे ने क्या बोला था, इफ यू एवर हैव एक्चुअल टैक्स पेड विद यू नो देन टेक एक्चुअल टैक्स पेड ओनली। बस उसके ना वो इंटरेस्ट वाला जो इफेक्ट है, ओके जो इंटरेस्ट की वजह से अपना टैक्स बचता है वो वाला चीज निकाल देना। ठीक है तो देखो यहां पर ना इस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने अपने को एक्चुअल टैक्स पेड दे के रखा हुआ है। करंट ईयर्स टैक्स पेड इज 23 करोड़ एंड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन ऑफ 2 करोड़ हैव बीन एडजस्टेड। तो इट इज 23 करोड़ के अंदर सब कुछ आ गया। यू हैव टू बी राइटिंग हाउ मच टैक्स पेड बिकॉज द फंडा गोज एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। भाई अगर तूने पैसा दिया टैक्स के तौर पे, अल्टीमेटली वैल्यू इज गॉन नो, तो उतना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा। ओके सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर आप लोग लिखना टैक्स कैपिटल के अंदर पेड। लेकिन इसके बाद एक चीज वो नहीं भूलना, इसलिए मैं कल से आई एम ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। सो देयरफॉर लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट। अच्छा मेरे को बोलो टैक्स ऑन इंटरेस्ट बेटा कैसे कंप्यूट होगा, व्हाट इनटू व्हाट? कल से वी ऑल हैव डन दैट एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स। बोलो 42 इंटू 30%। तो आप लोग इसको नो पैट बोल लेना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 176 माइनस 23 माइनस 12.6 तो दिस इज 140.4।
लेकिन सुनो, उसके बाद ना ये बंदे ने क्या बोला था, भाई तेरे को और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो तुम्हारे नो पैट के अंदर अगर वो वाली चीजें हैं तो आप एक एक करके एडजस्ट करते रहो, तो मैं देखता रहता हूं अपने को क्या क्या यहां पर एडजस्ट करने का है। ओके एक मिनट, अगर मैं कल वाले नोट्स निकालूं तो सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर कोई भी अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है ना, ओके, जिसका बेनिफिट अपने को बहुत सालों तक आएगा, ऐसी चीजों को आप लोगों को कैपिटलाइज करने का है। ओके मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर वैसा कुछ हुआ था इस साल? एक सेकेंड मेरे को ना यहां पर एक लाइन जरा वो लिख के दो ना, दिस यू आर ट्राइंग टू बी कंप्यूटिंग फॉर विच ईयर, मेरे को ईयर का नाम बताओ तुमको। EVA, हाँ जो EVA है ना बेटा, तेरे को 1920 के लिए कंप्यूट करने का है। ओके तो EVA फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ओके सो देयरफॉर यहां पे ना वो लिख के भी रख बेटा, फॉर 2019-2020। अच्छा अब मेरे को जरा सम देख के बताओ ना तुम लोग एक बार कि इसके अंदर अपना कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है? कौन सा वाला? R&D। तो वो अपन लोगों ने राइट ऑफ किया था, अपने को ऐसी चीजें निकाल देनी चाहिए, सो देयरफॉर प्लस R&D टू बी कैपिटलाइज्ड। एक सेकेंड, कैन वी से अगर कैपिटलाइज होएगा वही से तुमको बोलता है तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बढ़ जाएगा? पहले बोलो यस और नो। यस बट दैट विल नॉट अफेक्ट अस, क्यों? क्योंकि अगर ये 20 को मैं कैपिटलाइज भी करूं, एक मिनट, ये 20 था ना, हाँ ये 20 को अगर मैं कैपिटलाइज भी करूं ना, दिस विल अफेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ विच ईयर? करंट ईयर। और मेरे को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, ठीक है? और उन लोगों ने लिखा भी था दैट दिस इज द फर्स्ट ईयर। ओके यहां पर वो लिखा भी था दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो पिछले साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था बेटा, ठीक है? अच्छा R&D टू बी कैपिटलाइज, ये यहां पर कितना था? 20, ठीक है। उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट्स, अपने को इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लिखना होता है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मारो गोली। ओके सो देयरफॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अपन लोग ऐड कर देगा, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। अच्छा अच्छा लिसन, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ना तुम्हारा इस साल का जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था वो 124 था, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 156 था, सो एड बैक 124 एंड सब्ट्रैक्ट 156। अच्छा हम लोगों ने कल और क्या क्या लिखा था, उसके बाद कोई भी यहां पे नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, ओके वो सब कुछ यहां पे देखना, नॉन कैश इनकम्स होएगा तो वो भी देखना, तो चलो ठीक है। मेरे ख्याल से वैसा यहां पर इस क्वेश्चन के ना नॉन कैश आइटम्स तो है ना बेटा, ओके सो देयरफॉर इस साल का नॉन कैश आइटम्स जो है, सो एड नॉन कैश आइटम्स। ओके तो ये वाला भी काम हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला पॉइंट, कोई भी फालतू प्रोविजन होंगे जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे तुम लोगों ने बनाए वो सब निकाल देना, तो चलो ठीक है। तो यहां पर ये वाला बैड डेट जो है ये क्रिएट हुआ अपना, ओके सो देयरफॉर एड RDD प्रोविजन। सिक्स यहां पे लिख देना दिस इज एडजस्टेड नो पैट। तो 140.4
प्लस 20 प्लस 124 लेस 156 एट 28 156.4। अभी इसके बाद लिखना कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन, ऑब्वियसली ये ईयर का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 और यू कैन राइट डाउन 31st ऑफ मार्च 2019, दोनों डेट्स आर सेम होंगे एज सच। अच्छा मेरे को जरा बोलो, सोच समझ के मेरे को जरा बोलना एक चीज कि ओरिजिनली ये वाला कैपिटल टेक्स्ट बुक है ना कितना दिया हुआ है, मेरे को ढूंढ के निकाल के दो। 1940 ये अपने पास है। प्लीज आप लोग WDO डिवीजन का नहीं देखना, तुम लोग कंपनी का कंप्यूट करता है तो कंपनी का देखना। सो देयरफॉर 1940, तो वी विल राइट डाउन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ऑन 31st ऑफ मार्च 1940। अच्छा सुन, अभी ना वो वाली एडजस्टमेंट्स के बारे में फिर से बात करेंगे एक बार, जो बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं। वहां पर भी अपने को अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट वो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर कैपिटल। मेरे को जरा सोच समझ के बोलना, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वो वाला एडजस्टमेंट करूं यस के नो? डेप्रिसिएशन वाला जो एडजस्टमेंट है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर करूं कि नहीं करूं? नो, द रीजन बीइंग क्योंकि पिछले साल का बोथ दीज पर्टिकुलर फिगर्स आर सेम ओनली। ओके, ये सामने ही अपने को दे के रखा हुआ है, मैंने खुद से तो वो अज्यूम भी नहीं किया। ओके, सो देयरफॉर लास्ट ईयर का अपना जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वगैरह है इन दिस पर्टिकुलर केस और जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो सेम ही है। सो देयरफॉर ड्यू टू दैट नथिंग विल बी कमिंग ओवर हियर। यहां पे ना एक चीज जरा वो लिख देना, वो इसको वो अंडरलाइन करके, देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यू ऑल राइट ऑन, मेरे पास तो वो जगह नहीं है, देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा सेकंड, तो यहां पर अपने को डेप्रिसिएशन के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरे को अब जरा बोलो, अगर पिछले साल के कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम्स थे तो मेरे को बात करना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में पिछले साल के। ओके, तो पिछले साल का ये वाला नॉन कैश एक्सपेंस तो था ना अपना, तो एक काम जरा वो करते हैं, तो यहां पे अपने को ये वाला फिगर वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे जरा लिखो ऐड नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ 2018-19 11। अच्छा मेरे को अभी एक और चीज जरा बोलना, जो आरएनडी वाला कॉस्ट है, आरएनडी वाला जो कॉस्ट है, दिस वाज अ फर्स्ट ईयर नो ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट, तो मेरे ख्याल से अपने को वो आरडी, वो अपना जो आरएनडी है उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं करने का क्योंकि इकोनॉमिक एंड दैट थिंग वाज सेम। अदर नॉन कैश आइटम्स के बारे में बात अपन लोग वो नहीं करेंगे, तो फिर किस चीज के बारे में और बात करें? मेरे को तुम लोग एक और चीज जरा बोलो एक बार।
सॉरी जोर से बोल, डाउटफुल डेट। चलो ठीक है सुनो, लेकिन ना उसके बारे में तुमको बहुत ज्यादा वो सोचना पड़ेगा, ओके, और सॉलिड सोचना। अभी ये वाला अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों निकाल रहे हैं, ठीक है, व्हाट बेसिकली वी ऑल ट्राई टू बी थिंकिंग, कोई भी फालतू प्रोविजन वगैरह वो मारे होंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज पर्टिकुलर प्रोविजंस, ठीक है। तुम लोग क्या करो, मेरे को तुम लोग का 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स चाहिए जो तुम लोग भूल चुके हो बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। तुम लोग ना ये वाला चीज पढ़ो और तुम लोग ना ये वाली चीज पढ़ो, ओके, रीड दिस एंड देन ट्राई टू टेल मी समथिंग कि मेरे को क्या करना चाहिए। कोई भी फालतू प्रोविजंस वगैरह होते हैं, देखो टैक्स का तो यहां पे इससे पहले कोई प्रोविजन वगैरह वो नहीं था, ठीक है, तो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई भी यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स वो फालतू चीजें तो थी नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करने का अपने को। लेकिन अगर मेरे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कुछ भी फालतू प्रोविजन थे, आई वुड लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस टू बी टेकिंग केयर ऑफ इट, ओके, तो मेरे को तुम लोग ना एक अमाउंट बताओगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। याद रखना मैं ना ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, पिछले साल का नोपैट नहीं निकाल रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। अगर उसके अंदर कोई भी फालतू प्रोविजन है देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी लाइक टू बी एडजस्टिंग इट। कुछ बताना मेरे को, अच्छा कुछ बताना, अच्छा कुछ बताना। सिक्स करोड़ शुड बी एडेड, परफेक्ट, वेरी गुड, ओके। सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ्स वॉज 12 करोड़ इन द ईयर 2019-20 बैलेंस शीट। तो एक सेकेंड, मैं तुम लोगों को बैलेंस शीट बनाकर ही दिखा देता हूं। तो अगर सब नहीं, मैं बैलेंस शीट नहीं, मैं आरडीडी अकाउंट बना के दिखाता हूं, सॉरी। तो आरडीडी अकाउंट ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस इज अ प्रोविजन अकाउंट, राइट, ओके। सो देयरफॉर यहां पर एक ओपनिंग बैलेंस होएगा, दिस पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस, मैं ये वाला अकाउंट 2019-20 के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो दिस मस्ट बी ऑन 1/4/2019 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी टू बैलेंस कैरीड डाउन, दिस विल बी 31st of March 2020, ठीक है। ये वाला जो फिगर है जो सामने अपने को दिया बेटा, ये 12 करोड़ का है, तो अभी अभी आप लोगों ने वही वाला चीज देखा, ठीक है। अभी इस पूरे साल के अंदर ये जो 2019-20 बीता, ओके, मैंने इस साल और कितने का प्रोविजन क्रिएट किया था, 6 करोड़। तो कैन वी से जब प्रोविजन क्रिएट हुआ रहेगा मैंने कुछ ऐसा एंट्री तो वो मारा होगा, क्योंकि इतना वी मस्ट हैव टेकन टू पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड, नो, ओके। सो देयरफॉर अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर यहां पे 6 करोड़ रुपीस का एक फालतू प्रोविजन होगा जो मेरे को एडजस्ट करने का है, इज दैट ओके? दिस इज योर बैलेंस, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस पर्टिकुलर फिगर हैज टू बी एडजस्टेड, ओके। ये वाला अकाउंट आप लोग एक मिनट के बाद बता वो बनाकर किधर ना किधर यू ऑल कीप इट, ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड इट, ओके। तो एक काम पहले जरा करो, यहां पे यू ऑल राइट डाउन एड आरडीडी प्रोविजन On 1/4/2019, it is 12 crores minus 6 crores. बस यहां पे और कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं है, दिस इज 1957, बोल। थर्ड वाले एडजस्टमेंट में लिखा ना डिफर टैक्स प्रोविजन लास्ट नहीं बेटा, यहाँ पे वो लिखा हुआ था, वो यहाँ पर क्या बोला था, करंट ईयर टैक्स पेड इज 23 करोड़ एंड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन ऑफ 2 करोड़ हैज बीन एडजस्टेड, ओके। हैज बीन एडजस्टेड का मतलब इन दिस पर्टिकुलर के देख, यहाँ पर 1920 से पहले कोई डेफर्ड टैक्स बैलेंस वगैरह वो नहीं था, ओके। तो डेफर टैक्स ये वाला जो 2 करोड़ रुपीस है ना, ये कोई इस साल का शायद होएगा, ओके। और वो वाला डेफर टैक्स आप लोगों ने इस साल, मतलब ये ऐसा नहीं था कि ओपनिंग डेफर टैक्स कुछ था, ओके, उन लोगों ने, हाँ ठीक है, ओके। दिस इज एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड, सुनो, ये जो 6 करोड़ है ना, यू पुट एन एस्ट्रिक ओवर हियर, यू ऑल राइट इट इन अ फॉर्मल वे ओनली, यू ऑल राइट डाउन, वी वांट टू रिमूव ऑल डमी प्रोविजंस
we want to remove all dummy provisions which are there on 1/4 2019, full stop. Closing RDD on 31st of March 2020. Was 12 crores. Full stop. In the year 2019-20, Six crores of provision was created more in the year 2019-20 6 crore rupees of provision was created more through P&L account. Full stop. Therefore, the opening RDD provision must be 6 crores. Aur ek bar na ye wala account bana lena. Therefore, opening RDD provision must be 6 crores. Just make this account once, please. उसके बाद EVA का फॉर्मूला लिखना, नो पैट एडजस्टेड माइनस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी एडजस्टेड ही लेता है अपन लोग, इनटू KO. NOPAT 156.4 था, माइनस ये 1957 था, ये 8% था.
सॉरी हाँ वो नेगेटिव 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 0.16 करोड़। चलो सुन, ये हो गया तुम्हारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, उसके बाद पार्ट सेकंड, एंड वील हैव टू बी केयरफुल इन राइटिंग द वर्ड्स। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ JCDSL यूजिंग EVA। आई थिंक यूजिंग EVA नो आर परफॉर्मेंस हैजंट बीन वेरी गुड। इफ कंपनी इज गोइंग टू बी यूजिंग EVA एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, then in this particular front it has not done good. In fact, whatever it has done, it is adding negative value to the shareholders. Okay, so company ye wala kaam jo hai acche tarike se wo nahi kar raha hai. Okay, and this is entire business of the company that we are trying to be talking. But when you are going to be doing this na, aap log saath mein na yahan pe advice wagera de sakte ho to some extent, like you know what the company should be doing. Aur mere ko ek cheez zara bolna, this is the result of these particular three things. Okay, maximum in case you all want to be saying something, har ek ke bare mein aap log ek ek cheez bol do, I think then the things will be better. Can we say agar EVA apne ko lift up karwana hai, can we say there are three things that we all can do? Chalo, I'll first of all say two, then second one I'll break it up into two parts. We should try to be increasing this particular figure, that is first. Second, we should try to be deducting this particular figure. This is something like your returns. This is something like your cost of capital. तुमको समझा ये वाला चीज? तो एक चीज जो आप लोग को करना चाहिए, that is you should try to increase your operating profit. यार वो एक काम अपने को करना ही चाहिए. Second, in this case अपने को यहां पे cost काम करना चाहिए. Now this is cost of capital that we are trying to be talking of. अभी यार ये चीज को कैसे कम करें? To be very honest ना, बहुत ज्यादा options वगैरह वो नहीं होंगे. तुमको उसके बारे में एक एक लाइन अगर लिखने का है, यू कैन बी राइटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आपको ये वाला पार्ट, सॉरी, अगर आपको ये वाला पार्ट तो प्रॉफिटेबल चाहिए, आप सजेशन दो इसको बढ़ाने का, और आप सजेशन दो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला चीज कम करने का. ठीक है, अभी ये वाला चीज तब कम हो जाएगा जब ये कम होगा या ये कम होगा. सो फर्स्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, आप लोग KO कम करने का ट्राई करो. ऐसे KO कम करने के लिए मैक्सिमम इन दिस पर्टिकुलर केस आई कैन ट्राई टू बी गिविंग यू वन सजेशन. इफ इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस इक्विटी बाय डेट, ट्राई टू बी डूइंग इट मोर. तुमको समझा जो मैं बोला? क्योंकि डेट इज चीपर फॉर्म ऑफ कैपिटल, नो? तो अगर वो एक लाइन वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो. क्योंकि क्या है, मेरे को ना वो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह वो नहीं देने का. क्योंकि याद रखना, अगर सपोज कल को डेट बिकम्स 80, दिस बिकम्स 20, ओके, कंपनी बिकम्स मोर रिस्की, नो? क्योंकि अपने पास प्रॉफिट हो या ना हो, अपने को इंटरेस्ट का कमिटमेंट तो पूरा करना पड़ेगा. तुमको समझा जो मैं बोला? यू ऑल हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर इक्विटी ज्यादा होता है तो अपने को एक एडवांटेज मिलता है. क्या एडवांटेज मिलता है? कि रिस्क कम होता है, बिकॉज वी विल बी ओनली पेइंग द डिविडेंड्स व्हेनेवर वी हैव द प्रॉफिट. लेकिन इक्विटी का कॉस्ट इज हायर, तो इसलिए बहुत सारे लोग वो इक्विटी के लिए वो नहीं जाते. ओके, कोई बोलता है सर फिर डेट अच्छा है. डेट का एक एडवांटेज है, दैट इज वेरी चीपर फॉर्म ऑफ कैपिटल. लेकिन ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज है, द रिस्क फॉर द कंपनी इज हायर, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वन लाइन अगर कुछ ना कुछ डेट और इंट्रोड्यूस करके you can try in this case to be reducing your KO. Please you all can try it, but you evaluate the risk in that case. Okay, that is one thing. Second, opening capital employed, अभी कम करने के बारे में क्या बोलूं यार, it's very difficult as such. Okay, maximum अगर तुम्हारे कोई ऐसे assets हैं जो currently use नहीं हो रहे, आप लोग ऐसे assets को discard कर दो, automatically capital employed will become less. तुमको समझा? लेकिन तुम्हारे कोई यूजफुल एसेट्स है ना, अभी ये नहीं बोल सर सारे एसेट्स डिस्कार्ड कर देंगे ना सर, तो दिस पर्टिकुलर फिगर विल बिकम जीरो. भाई सारी प्लांट एंड मशीनरी बेच देगा, सब कुछ वही कर देगा, तो धंधा कैसे चलाएगा? सो बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग योर वर्ड्स. कि अगर कुछ ऐसे एसेट्स वगैरह हैं, और ऑनेस्टली मैं तुमको बोलूं, हर एक बिजनेस के अंदर ना ऐसे बहुत सारे एसेट्स हमेशा रहते ही हैं विच आर एक्चुअली ऑफ नो यूज. ओके, अभी ये एक वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे जहां पे अपना जो पानी वगैरह है वो फिल्टर वगैरह वो होता रहेगा.
शायद बेस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी ये लोग न्यू न्यू प्लांट्स वगैरह भी खरीदते होंगे, शायद पुराने वाले प्लांट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ना वैसे ही पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हो रहे. ओके तो ऐसे एसेट्स को आप लोग डिस्कार्ड करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगेन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा. आई ऑलवेज थिंक कि ना यू शुड ट्राई टू बी सेइंग मोर अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू शुड ट्राई टू लिफ्ट अप दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके मेरे ख्याल से अ बिजनेस शुड ट्राई टू ग्रो एंड बिजनेस ग्रोइंग आई थिंक शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नो पैट. यार ये चीजें हैं जो आप लोग बोल सकते हो बट नथिंग मच इंपॉर्टेंट आई थिंक. ओके तो अभी ना यहाँ पे हम लोग नो पैट के बारे में बात करते हैं. यार नो पैट को हम लोग कैसे बढ़ाएं, मैंने शुरू में कुछ ना कुछ वो बोला था. इफ समबडी कैन टेल मी इस कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से दोनों डिवीजन से तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है. आई डू अंडरस्टैंड कि ईवीए इज नेगेटिव. ओके आई डू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके लेकिन क्या है जो ईवीए वो नेगेटिव है ना, इट मींस दैट यू आर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इन दिस केस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स. तुमको समझा जो मैं बोला? क्योंकि KO के अंदर सबसे बड़ा पार्ट हमेशा KE का होगा. ओके सो देयरफॉर इफ EVA इज नेगेटिव ना, प्लीज उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा लॉस हो रहा है. तुमको समझा जो मैं बोला? एग्जाम्पल अगर सपोज मैं तुम लोग को कल का एक बेसिक क्वेश्चन वो बताऊं तो ओके मैंने तुम लोग को इलस्ट्रेट मेरे ख्याल से कुछ ऐसा किया था. एक सेकेंड, मैंने तुम लोग को KO कंप्यूट करना सिखाया था ये वो वगैरह, ये एक फालतू सा एग्जाम्पल था. तो अपना KO कल को कल अपने इस डमी क्वेश्चन के अंदर 9.5% था. अगर मैं 9.5% के बदले में 9% ही कमा रहा हूं ना, ऐसा नहीं होगा कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लॉस आ रहा है बेटा. क्योंकि 9% भी कमा रहा हूं ना, शायद सबसे पहले मेरा डेट का इंटरेस्ट कमिटमेंट तो निकल जाएगा. तुमको समझा जो मैं बोला? Yes. शायद मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे हो जाएगा. ओके लेकिन ना इक्विटी वालों को जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड था, जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड था, शायद वो मैं ना दे पाऊं, इसलिए द वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर्स विल बिकम लेस. तुमको समझा? तो आप लोग ना ये नहीं बोलने वाला है कि EVA नेगेटिव है तो कंपनी जो है वो खराब काम कर रहा है. नहीं, इट इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो उस वे से शायद थोड़ा सा खराब काम कर रहा है. ये नहीं है कि लॉस वगैरह है. यू ऑल कैन सी गुड प्रॉफिट्स यार एज सच. ओके तो नो पैट बढ़ाने का ट्राई करते हैं. ट्राई टू गिव द सजेशंस कि ना सर नो पैट कैसे बढ़ाएं. ओके अभी नो पैट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स यार, सेल्स एंड कॉस्ट. ओके इट इज बेसिकली हाँ एडजस्टेड फॉर ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स दैट आई डू अंडरस्टैंड. ठीक है लेकिन वो छोटी छोटी चीजें. तो अल्टीमेटली ट्राई टू बी सेइंग समथिंग ताकि देयर इज सम यूज फॉर द बिजनेस एज सच. ओके तो आप लोग यहां पे सेल्स वगैरह बढ़ाओ. मैं आपको वो वैसे ही तो पूछ रहा हूं, मेरे को बोलो एज लाइक यू नो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंपनी कैन ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ विच पर्टिकुलर डिविजन बेटा? पैकेजिंग ऑपरेशन. मेरे ख्याल से जो ये वाला अपना वो बिजनेस है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ श्योर शॉर्ट बिजनेस. ओके श्योर शॉर्ट बिजनेस मतलब जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो वाटर रेगुलेटर है वो अपने को बोलता होगा इन दिस पर्टिकुलर केस इतना पानी यहाँ पे सप्लाई करो, इतना पानी वो यहाँ पे. देर इज अ कैप ऑल्सो कि हम लोग इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते. तो ये वाला जो आपका बिजनेस है ना वो आपका काइंड ऑफ अ श्योर शॉर्ट बिजनेस है. ओके सो देयरफॉर वहां पे शायद अपने पास स्कोप थोड़ा सा यहाँ पे वो कम होगा. एंड मोर ओवर इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाले डिविजन का ना अपना एक्सपेंसिस जो है वो रिलेटिवली वो हायर है क्योंकि यहां पर जो नेट प्रॉफिट है ना, जो नेट प्रॉफिट रेशियो है दैट इज दिस फिगर टू दिस पर्टिकुलर फिगर इज 18.81%. इन द अदर केस यहां पर ये वाला जो रेशियो है ना वो काफी तगड़ा है. और क्या है, वाटर पैकेजिंग ऑपरेशन के ना अभी भी अपने पास चांस है इन दिस पर्टिकुलर केस टू बी इंक्रीजिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ओके क्योंकि यहां पर ना यहां पे हम लोग सेल्स और बढ़ा सकते हैं. ऑब्वियसली कंपटीशन भी होएगा शायद. ओके लेकिन यहां पे सेल्स बढ़ाने का स्कोप है बिकॉज वी आर ओनली यूजिंग हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर टिल नाउ 25%. वी कैन गो अप टिल व्हाट पर्टिकुलर लेवल 35. तो तुमको इतना समझ में आएगा. अगर मैं एक जनरल चीज बात करूं अगर तुम्हारा जो सेल्स है करंटली ये 25% पर है, ठीक है,
अगर तुम लोग वाटर सप्लाई इंक्रीज करो एंड यू ट्राई टू बी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी ओके बट इंश्योर दैट देर इज डिमांड ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर वाटर, क्योंकि ये वाला जो है ना ये आप लोग मार्केट के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर बेचोगे, अभी उसका कॉम्पिटिशन वगैरह भी होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कोई कैप वगैरह वो नहीं लगाया हुआ। याद रखना गवर्नमेंट्स विल ओनली पुट अ कैप व्हेन देर इज नो कॉम्पिटिशन ओके। अगर कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन विल टेक केयर ऑफ द प्राइसेस नो। अगर तुम लोग एक एक बॉटल अगर 150 रुपए के अंदर तो वो बेचोगे तो कोई खरीदेगा थोड़ी ओके, तो वहां पे फिर कैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो कॉम्पिटिशन टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहां पर ना आपको प्रॉफिट बढ़ाने का बहुत ज्यादा स्कोप है, तुमको समझा जो मैं बोला? अगर अपना सेल्स यहां पर बढ़ सकता है इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहां पे अपना जो कॉस्ट सॉरी अपना यहां पर जो प्रॉफिट वगैरह है वो बढ़ सकता है। तो माइट बी कंपनी टिल नाउ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच ऑन दिस, और इवन इफ इट इज शायद पहले और भी कम होएगा, अभी फिर भी 20% पर लिया है, बट देन देर इज गुड स्कोप टू बी रीचिंग टिल 35% विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉज एज सच ओके। तो आप लोग अगर यहां पे इस बिजनेस की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, शायद ये बिजनेस रिस्की ज्यादा होगा ओके, क्योंकि मार्केट्स के अंदर वो कॉम्पिटिशन वगैरह भी होगा, लेकिन उस रिस्क का एक एडवांटेज होगा मार्जिन्स ओवर हियर आर वेरी हाई। इफ यू कैन बी ट्राइंग टू बी टैपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग आई थिंक कंपनी का जो ईवीए है उससे पॉजिटिव आ सकता है। इज दैट ऑल ओके? साथ में अगर कुछ और नंबर्स वो देना चाहो, दे आर लॉट ऑफ नंबर्स दैट यू ऑल कैन बी राइटिंग एज सच, जो मैंने पहले भी वो बोला था, ये वाला अपॉन ये वाला परसेंटेज तो वो निकालोगे ना, दैट गिव यू द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू दैट यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिविजन एज कंपेयर टू द टोटल। सेम वे इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस अपॉन दिस, वेन एवर यू आर कमेंटिंग ना, जितने परसेंटेजेस वगैरह बात कर सकते हो ट्राई टू बी डूइंग इट, इट्स नथिंग रॉन्ग ओके। सो वट एवर परसेंटेजेस कम टू योर माइंड यू कैन ट्राई टू बी डूइंग इट, ठीक है? तो हम लोग वो लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन प्लीज। एक मिनट, ये अपना पार्ट वन था, अभी अपन लोग पार्ट टू कर रहा है। Evaluate the financial performance of JCDSL. तो लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन। Evaluation of performance of JCDSL. लिखो, कंपनीज ईवीए इन 2019-20 इज नेगेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ 0.16 CR। It means it is not being able to meet the cost of capital and hence is creating negative wealth for the shareholders. Negative EVA also brings the question of sustainability of the business. One should remember that negative EVA does not mean loss. It means that company is not being able
टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स. While evaluating EVA, we can evaluate its two components. First, NOPAT. Company's revenue from WDO division is, मेरे को compute करना पड़ेगा बार 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 बार. एक सेकेंड, दिस हैज बिकम टू पथेटिक. एक सेकेंड, तो 585 डिवाइडेड बाय 797 परसेंटेज इज 73.4% ऑफ टोटल रेवेन्यू. वेयर एज इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट is 110 divided by 66%. Nahin, 110 divided by 176. 62.5% of total operating profit. This also indicates higher cost of WDO division, which will reflect in operating profit to sales ratio. WDO division has operating profit to sales ratio as 18.8 था. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर से. 110 डिवाइडेड बाय 585% 18.81. ठीक है, चलो 18.8. वेयर एज WPO has 66 divided by 212, 66 divided by 212% 31.13. Looking at the two divisions,
कंपनी कैन थिंक ऑफ एक्सपैंडिंग WPO business as WDO might not be much expandable. This will increase NOPAT. अभी बाकी सजेशंस ना मेरे को वैसे भी उन लोगों ने बोला है कि पार्ट डी के अंदर एडवाइस करना, तो जो भी मैंने तुम लोग को बाकी बोला था वो हम लोग पार्ट डी के अंदर करेंगे. सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कंपनी कैन थिंक ऑफ reducing KO by introducing more debt capital, although in that case company will become financially more risky or it can reduce its capital employed by selling off those assets which are not used or used very rarely or below capacity. चलो सुन, अभी इस क्वेश्चन का लास्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट. ओके, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, असेस वेदर JCDSL कंप्लाइज विद एक्सेप्टेबल ROC लेवल. एक मिनट, ROC लेवल अपने को सिर्फ WDO डिवीजन का ही चाहिए, तो यहां पे जरा लिखो, दिस इज पार्ट थर्ड. ROCE फॉर WDO डिवीजन. अभी ना सम के अंदर एक छोटा सा दिक्कत है बेटा, ROCE का ना ओरिजिनल फॉर्मूला किसी को भी नहीं मालूम. इसलिए जब मैंने कल ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आई टोल्ड यू, कई लोग EBIT लेता है, कई लोग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स लेता है, कोई भी कैसे भी कर ही सकता है. ठीक है, सो दे आर मेनी वेज. एक और चीज, शायद तुम लोग को तुम्हारा CA इंटर भी याद आई जाएगा, तुम लोगों ने ना तब कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा था, EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के ना तुम लोग को याद होगा, तुम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेता था. यू विल रिमेम्बर दैट? ओके, बिकॉज वी ट्राई टू बी सेइंग भाई ये तो पूरे साल मिलेगा, तो फिर तू कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा ले लाइक यू नो जो पूरे साल को तू रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इन दिस केस नो, अभी आई ऑनेस्टली डोंट नो विच फॉर्मूला इज टू बी यूज, बट ओनली फॉर दिस पार्ट नो आई सॉ लाइक यू नो कि ICA ने क्या किया, एंड आई थिंक दे ऑल डिड व्हाटएवर बेस्ट दे कुड.
उन लोगों ने न्यूमरेटर के अंदर तो बिफोर टैक्स ही लिया, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला वगैरह था, ठीक है। तुमको एक चीज समझ में आएगा, अगर बिफोर टैक्स से इट इज विद इन 6.5%, कैन वी से आफ्टर टैक्स से इट विल बी लोअर देन 6.5%, नो इन एनी केस बेटा आफ्टर टैक्स रिटर्न्स आर ऑलवेज लोअर, नो यार, ओके। तो पहले ना एक बार लोअर से, मतलब एक बार ना वो बिफोर टैक्स से कंप्यूट कर लेते हैं। अभी एक और चीज का मेरे को बहुत बड़ा दिक्कत था, मेरे को हमेशा लगा लाइक यू नो कि आरओसी अगर निकालने का है ना तो करेक्ट वे से निकालते हैं यार, ओके, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेते हैं, ओके। और मेरे को ऐसा लगा कि सम के अंदर ना अगर देखोगे तो देखो, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर विच पर्टिकुलर डिविजन, फॉर डब्ल्यू डी ओ डिविजन ओनली। और अगर देखोगे मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो ऑनेस्टली मैं एवरेज निकाल सकता हूं ना, ओके। तो निकालने के लिए एक्चुअली अपने को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बल्कि लगा ये वाला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ताकि लाइक यू नो मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही यूज करूं। और जो मैंने आंसर देखा तब मेरे को पता चला उन लोगों ने यहां पर भी ना ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिया है। आई विल नॉट से रॉन्ग, आई विल नॉट से राइट, माइट बी दोज गाइस हैड डन इट, क्योंकि ईवीए के अंदर भी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही आता है। वरना मेरे हिसाब से अगर तुम लोग एवरेज लोगे तो भी चलेगा, क्लोजिंग लोगे तो भी चलेगा। अभी उन लोगों ने वो ओपनिंग लिया क्योंकि शायद वो ईवीए के अंदर था, बट ऑनेस्टली ना मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जब मेरे को ये वाला सेंटेंस दिया ना कि आरओसीई हम लोगों ने 6.5% वगैरह सेट किया है, उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, बना वो जो बोर्ड है वो अपने को वो पीनलाइज वगैरह वो करेगा, दे शुड गिव मी द फॉर्मूला नो फॉर आरओसीई, देयर आर सो मेनी फॉर्मुलाज विच आर पॉसिबल एज सच, ओके। तो एक काम वगैरह वो कर लेते हैं द वे दैट दोज गाइज हैव डन, आई ट्राई टू डू दैट इन द सेम वे, बट आई विल गिव यू अ नोट ऑल्सो कि यहाँ पे आप लोग ओपनिंग के बदले में वो एवरेज या क्लोजिंग भी ले सकते हो, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है। तो एक काम जरा करो, यहां पर अभी ना लिख के रखना आरओसीई इज इक्वल टू ईबीआईटी, या फिर आप ईबीआईटी के बदले में ना यू कैन राइट डाउन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहां पे लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस थिंग यू विल हैव टू बी एक्सप्लेनिंग, ओके, जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर यू ऑल राइट डाउन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर लिख लेना ऑफ डब्ल्यू डी ओ डिविजन, ताकि कोई पंगा ना हो। अच्छा, देखो एक चीज मैं वैसे भी बोल सकता हूं, मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना, ओके, आई वुड लाइक टू टेक बिफोर टैक्स ओनली फॉर वन थिंग, पहले देख लेता हूं कि वो वाला आंसर कितना आता है। अगर यही 6.5% से कम आता है ना, ओके, तो ऑनेस्टली फिर आफ्टर टैक्स तो और भी कम आने वाले, देन आई विल नॉट इवन ट्राई टू बी थिंकिंग मच, तो एज आई टोल्ड यू ऑल। तो ये वाला जो चीज है ये 110 है डिवाइडेड बाय इस डिविजन का ओपनिंग 1760, यहां पे ना लिख के रखना, राइट नाउ प्रॉब्लम शुड हैव गिवन, मैं भी वो लिखता ही रहता हूं साथ में, प्रॉब्लम शुड हैव गिवन फॉर्मूला फॉर आर ओ सी ई टू बी यूज्ड, इन न्यूमरेटर वी हैव यूज्ड बिफोर टैक्स एंड इट इज कमिंग विद इन 6.5%, इट इज कमिंग विद इन 6.5%, आई नो इट हैज कम टू 6.25, लेकिन 6.25 इज विद इन 6.5%।
इफ वी विल टेक आफ्टर टैक्स इट विल बी लोअर देन 6.25% बट स्टिल विद इन 6.5%. आगे एक और नोट, इन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वी हैव टेकन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज ICAI had done it. They might have done it as in EVA also we use opening capital employed. Alternately, we can use closing or average. अच्छा सुन, लास्ट पार्ट देखो. ये हो गया बेटा सबका कॉपी? चलो सुनो लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट के अंदर देखो यहां पे क्या बोला, एडवाइस हाउ JCDSL कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इन EVA फॉर द फ्यूचर. अभी ना ऑल दोज एडवाइसेस जो मैंने पहले जो दिया था, यू कैन ट्राई टू बी स्पीकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. देखो अभी अपने को अपना प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंप्रूव वो करने का है ना, तो एज आई वाज सेइंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट यू विल डू. दिस इज स्लाइटली अ श्योर शॉट बिजनेस, दिस इज स्लाइटली अ रिस्की बिजनेस बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स ओवर हियर. ओके, सो इन एनी पर्टिकुलर केस यहां पर ना, यहां से अपने को पैसा वो आता रहेगा, लेकिन यहां पर एक कैप है. ओके, और वो कैप क्या है कि हम लोग ना 6.5% से ज्यादा जो ROC है कभी वो कमा नहीं सकते. ठीक है, अभी एक और चीज यहां पर ना, कोई कैप नहीं है. ओके, कि व्हाट कुड बी द प्राइसेस अप एंड सो ऑन, सो देयरफॉर स्काई इज अ लिमिट. मैक्सिमम देयर इज वन लिमिटेशन कि आप लोग जो टोटल वाटर ड्रॉइंग है वो यहां पे 35% से ज्यादा वो नहीं हो सकता ऑफ द सप्लाई. अभी तो 20% है, सो देयरफॉर देयर इज गुड स्कोप ओवर हियर. तुमको इतना समझ में आएगा, और मैं यहां पे तुमको कुछ भी नंबर्स दूं, 20-35% मतलब देयर कैन बी अ फर्दर इंक्रीज ऑफ 75% नो इन दिस. 20-35 अगर मेरे को परसेंटेज इंक्रीज निकालने का है, 20-35 तो मैं परसेंटेज इंक्रीज कैलसी के ऊपर तो वो कैसे निकालेगा, 15/20-100 नो. सो देयरफॉर वी स्टिल एक मिनट समझा ना सबको. सो देयरफॉर वी हैव अ स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू बाय 75%. ओके, एंड अगर सपोज मैं वैसे सोचूं कि अगर सपोज ये 75% से बढ़ जाता है और उसके बाद अगर मैं यही वाला ऑपरेटिंग रेशियो तो वो अप्लाई करूं ना, दिस पर्टिकुलर फिगर कैन बी वेरी हाई. ओके, तो शायद अभी तक वो कंपनी ने इस बिजनेस के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट वो नहीं किया है. लेकिन एक और चीज जरा वो याद रखना,
जब वो लोग इस बिजनेस को एग्रेसिवली तो वो फॉलो करेंगे ना, दे हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज इन दिस केस दे हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ मेनी थिंग्स लाइक द प्राइसिंग, द पैकेजिंग अप एंड सो ऑन, बिकॉज देयर विल बी गुड कॉम्पिटिशन. यहां पर ना तुम लोग को श्योर शॉट पैसा आता ही रहेगा हमेशा. ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस फॉर यू. ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज पुट अ कैप, तो आप लोग बहुत ज्यादा शायद कभी वो कमा नहीं पाओगे. और अगर मैं एक और चीज तुम लोग को बोलने के लिए जाऊं तो जरा ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ओके 1760, ओके 1760 लो. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस देखो, जो मैंने यहां पर कंप्यूट किया था ना, जो मैंने यहां पर वो कंप्यूट किया था, दिस अपॉन 1760 कम्स टू 6.25, ठीक है. ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 6.5% तक. सो देयरफॉर 1760 इनटू 6.5% मार, मेरे को आंसर जरा बताओ एक बार. क्योंकि हम लोग 6. अरे आंसर बताओ ना यार जल्दी से. 114.4. तो मैक्सिमम तुमको इतना समझ में आएगा. यहां पर अगर सपोज मैं कैपिटल एम्प्लॉयड करंट वाले के बारे में ही बात करूं, तुम्हारा ये वाला जो फिगर है ना बेटा, जो ये वाला फिगर है, ये मैक्सिमम मैं 114.4 तक ही लेके जा पाऊंगा. इससे ज्यादा अगर वो लेके जाएगा, माई आरओसी विल स्टार्ट टू गेट ब्रीच एंड देन देयर विल बी तो हैवी पेनल्टीज. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ना, तो यहां पर तुम्हारे पास स्कोप जो है वो लिमिटेड ही है. मैक्सिमम इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग यहां पे प्रॉफिट इतना ही बढ़ा सकते हो, और यहां पे बहुत ज्यादा काम वगैरह तो वो नहीं कर सकते. लेकिन इस बिजनेस के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. ओके, देयर इज स्टिल ह्यूज स्कोप फॉर अस टू बी ट्राइंग टू बी इंक्रीजिंग द प्रॉफिट. सो कंपनी शुड कंटिन्यू विद दिस, बट ऑब्वियसली स्टार्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट विल हेल्प द कंपनी टू बी इंप्रूविंग इट्स प्रॉफिट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. नाउ सेइंग दिस, आई वुड लाइक टू से वन अदर थिंग ऑल्सो. देखो मेरे को जरा बोलो कि यहां पर वो जो रेगुलेटर है उसने यहां पर अपने को कैप डाल के तो वो रखा हुआ है. देखो वहां पे वो वाला जो लाइन है ना, एक मिनट, 6.5 पर ये वाला, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज थ्रू वाटर पैकेजिंग विच डिटरमाइंस एक्सेप्टेबल मार्जिन लेवल एंड इंश्योर दैट प्राइसिंग ऑफ JACDSL विद इन दीज एरियाज डज नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल. तो वो लोगों ने अपने को कैप यहां पर क्यों लगा के रखा हुआ है, ताकि अपना जो प्राइजिंग है ना, ताकि अपना जो प्राइजिंग है ना इन दिस पर्टिकुलर केस दैट डज नॉट ब्रीच दैट पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो पानी वगैरह तो वो सप्लाई करते हैं ना, तो जब वो वाटर वगैरह वो सप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वी ऑल चार्ज टू द यूजर्स. ओके, वी कैन चार्ज टू द लोकल अथॉरिटीज, टू द हाउस होल्ड होम वी ऑल सप्लाई वगैरह द वाटर. ओके, तो हम लोगों ने जो वाटर रेगुलेटर है उसने अपने ऊपर 6.5% का कैप इसलिए लगा के रखा हुआ है, ताकि इन दिस केस हमारे जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा ना हो जाएं. नाउ सेइंग दिस, आई कैन ऑल्सो ट्राई टू बी सेइंग, कैन वी से ये वाला जो कैप है ये इसके लिए है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी डू नॉट इंक्रीज द प्राइसेस, बिकॉज यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट वी आर सप्लाइंग वाटर विच इज अ एसेंशियल कमोडिटी. अपने अलावा कोई है नहीं. अगर हम लोग प्राइसेस वगैरह यहां पर वो नहीं बढ़ा, प्राइसेस वगैरह तो वो बढ़ाएंगे, द कस्टमर्स विल हैव नो अदर ऑप्शन देन टू बी पेइंग इट. ओके, तो यहां पे जो वाटर रेगुलेटर है वो क्या बोलता है, आप लोग प्राइसेस वो नहीं बढ़ा सकते. और प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए वो लोगों ने क्या बोल दिया कि ROCE जो है ना 6.5% के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऑल एक्सेप्टेड. लेकिन तुम लोग एक चीज जरा वो सोचो, देर इज स्टिल स्कोप इन वन स्मॉल थिंग, यू कैन ट्राई टू डिक्रीज द कॉस्ट. नो, तुमको इतना समझ में आएगा, इफ वी विल ट्राई टू डिक्रीज द कॉस्ट एक्चुअली माई ROCE विल बी एबल टू ब्रीच दैट 6.5% वाला लेवल ऑल्सो. लेकिन दैट टाइम वी कैन ट्राई टू कन्विंस द रेगुलेटर नो कि जो प्राइसेस वगैरह थे. ओके, आप लोग ये वाला चीज सजेशन के तौर पे डाल सकते हो कि हमारे जो प्राइसेस वगैरह थे बेटा वो सेम ही थे, बट वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द कॉस्ट. इफ बाई डिक्रीजिंग द कॉस्ट वी आर इंक्रीजिंग द ROCE, दैट इज नॉट बैड नो एज सच. Yes. Okay, so if you want, you can put this particular thing in form of a suggestion that company can try to be thinking how to cut down this particular cost. Jo bhi methods vagera ho sakte hain, like wo jo lean systems we all have done, your cellular manufacturing up and so on. Okay, shayad yahan pe cellular manufacturing might not have much impact or something, but you can just be saying you can try to use the resources like TPM, you can try to use the resources like just in time. Although just in time is question ke andar bhi bolna might not much make sense. So, because we are not purchasing anything as such, it is water only, no? So, but then you can try to be saying ki whatever methods are there to cut down the cost, company should try that. Kidhar bhi agar company ko wasteful expenditure wo dikhai deta hai, try to be cutting down those particular things. In case it does, ROCE will start to be rising, and we can argue always with the regulator that we are in this case not increasing the prices to be getting a higher ROCE.
एंड स्टिल वन स्मॉल थिंग, कंपनी शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, नॉट दैट ये बिजनेस को डुबा दो बेटा. ज्यादातर पैसा वो वहीं से आ रहा है, तुम्हारे फर्स्ट बिजनेस से ही आ रहा है और वो श्योर पैसा है. ओके, लेकिन यहां पर बिजनेस ग्रोथ का ज्यादा चांस है. सो देयरफॉर कंपनी कैन स्टार्ट टू बी यूटिलाइजिंग दैट 15% दैट इट हैज नॉट डन टिल नाउ टू बी इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस. इज दैट ऑल ओके? ओके, यू ऑल कैन राइट डाउन रेफर पेज नंबर, वो वाला जो पार्ट है पार्ट फोर्थ के लिए, यू ऑल कैन राइट डाउन रेफर पेज नंबर. तुम लोग भी ढूंढो तो मैं भी ढूंढ रहा हूं. 34.140. चलिए, सो दिस थिंग इज ऑल टुगेदर डन फ्रॉम आर साइड. पार्ट फोर्थ का आंसर इज बिहाइंड, रेस्ट यू ऑल हैव रिटन.